होम गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. जल्दी में ना मेरा एक जूता टाइट बंद हो गया. हाय हाय खून रुक रहा है. बहुत टाइट बंद हो गया जल्दी में. आजकल ऐसे इस तरह के आ रहे ना जूते, देखो जरा पता ही नहीं चल रहा कि हुआ क्या. हाँ अब मैं कंफर्टेबल हूँ. कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. मुझे पता है आप लोग बहुत बिजी होंगे. ये एक कंटिन्यूटी है कि जब मैं ये बुंदा पहनती हूँ आपको ही बात नहीं. अब मैं एक बुंदे के साथ शो करने वाली हूँ क्योंकि मैं नहीं झुक के उठा रही, बाद में उठा लूंगी. हाँ तो मैं ये कह रही थी, देखिए अब हर औरत बिजी हो चुकी है. मुझे पता है घर में जितनी भी औरतें बैठी हुई मुझे देख रही हैं वो इस वक्त उस शदीद बिजी होंगी और उसके बाद ज़रा सी उनको सांस लेने का मौका मिला होगा क्योंकि बच्चे चले गए स्कूल, मियाँ चले गए ऑफिस. अब आप क्या करेंगी मैं आपको बताती हूँ. अब आप जाके सो जाएंगी, फिर 10-11 बजे तक मासी आएगी. जब आप सो के उठेंगी मासी से काम करवाएंगी, या तो मासी अभी काम कर रही होगी और आप कहेंगी मैं सोने जा रही हूँ, और फिर आप उठकर खाना बनाएंगी, और फिर उसके बाद पूरा दिन आप बच्चों के पीछे भागती रहेंगी, काम में लगेंगी. जाहिर है जिसके 3-4 बच्चे होते हैं उसको कोई आसानी थोड़ी होती है, मतलब उनको संभालने के साथ साथ घर के काम भी करने होते हैं. बच्चों का लंच बनाना, फिर डिनर बनाना, ये सब तैयारियाँ, शाम का नाश्ता, फिर कल की सोचना. तो मैंने सोचा कि आज मैं आपको कुछ टिप्स देती हूँ जिसकी मदद से आप अपने लिए भी टाइम निकाल सकती हैं. तो आप ऐसा क्यों नहीं करती हैं कि रात को जल्दी सो जाए? जब बच्चों को सुलाया, जाहिर है मियाँ ने भी ऑफिस जाना है, वो भी जल्दी सो जाते हैं. आप क्यों फ़ोन पे लगी रहती हैं, इंस्टा पे लगी रहती हैं? आप क्यों टीवी देखती रहती हैं? आप क्यों अपने ड्रामे जो मिस हो गए पूरे दिन के वो रात में रिपीट पर देखती हैं? भाई टाइम पर देखने का मज़ा अलग है. आप करेंगे कि जब टिप नंबर वन, जब आपके बच्चे और मियाँ चले जाएं ऑफिस, तो आप अपनी प्लानिंग करें बजाय सोने के. कहते हैं ना जो सोता है वो खोता है, दोनों तरीके से खोता है वो. तो इसलिए इसलिए आप रोज नहीं, मैं कह रही कि रोज नहीं सोएं, लेकिन एक आध दिन सो जाएं, नींद पूरी कर लें, और फिर एक आध दिन जाके पूरे वीक की प्लानिंग करें. आपने क्या करना है, किस दिन बाहर का काम करना है, किस दिन घर का काम करना है. वो टाइम जब आपके बच्चे और मियाँ घर में नहीं है, आप सारे अपने बाहर के और घर के काम निपटा लेंगी हाथ के हाथ. जैसे बच्चे जो फैला के गए हाथ के हाथ समेट के रख दें, वरना जो एकदम फैलावा हो जाता है ना सारा, वो आपके सर पे मंडलाता है फिर, और फिर घर भी गंदा होता है, फिर चिड़चिड़ी होती है औरतें. संडे को अपना दिन बनाए कि सारे कपड़े उस दिन धो लें, ये नहीं कि रोज़ मशीन लग रही है. संडे को दिन बना लें, एक साथ सारे कपड़े धो लिए, मतलब एक एहतमाम करना पड़ता है. मुझे पता है बहुत सारे लोग वॉशिंग मशीन को घसीट के बाथरूम में लेके जाते हैं, फिर उसकी तार बोर्ड से लगा के उधर तक लेके जाते हैं. एक घर में बखेड़ा होता है कपड़े धोने का. हर किसी के घर इतने बड़े तो नहीं होते, एक वॉशिंग एरिया तो नहीं होता, वही पाउडर रूम जो बाथरूम है उसी में कपड़े धुल रहे होते. तो संडे का दिन मखसूस करें कपड़े धोने के लिए. घर की, जैसे मैंने पहले बताया, घर की पहली भी थी चीज़ें साथ साथ उठाते जाएं, सिमटती जाएंगी, और उसके बाद फिर आप अपना प्लान बना सकती हैं. अच्छा इस दिन मुझे सैलून जाना लाजमी है, इस दिन मैं सैलून जाऊंगी, और इस दिन मैंने डाई कराना है, इस दिन मैंने दर्जी के पास जाना है. जो बाहर के काम हैं वो सारी एक दिन के लिए रख लें. ग्रॉसरी करनी है, सब्ज़ी वगैरह ख़रीदनी है, ओके जी वो भी प्लानिंग हो गई. फिर सारे काम आप नहीं कर सकती हैं, बांट दें कुछ काम. ठीक है कुछ काम हम लोग बिगाड़ते हैं एक्चुअली अपने हस्बैंड्स को खुद. सारे काम, बिजली के बिल फलाना ढमाका, ये वो पानी का गैस का, सब हम खुद कर रहे होते हैं. अरे भाई थोड़ी सी नज़ाकत, नाज नखरे उठवाएं अपने. अम्मी अब्बू के घर में याद नहीं हर चीज़ अम्मी अब्बू किया करते थे, हम तो बस घर में बैठे हुए टीवी देख रहे होते थे रिमोट से. तो अम्मी अब्बू यानी अब्बू भी साथ करते थे ना, तो आप अपने बच्चों के अब्बू को भी तैयार करें कि कुछ काम उन्होंने भी करना है. ऑफिस जाते हुए ये बिल भरवाना है, ऑफिस से आते हुए ये ग्रॉसरी करनी है, मत तर्स खाएं. क्योंकि हाँ, और मतलब लाइक ये नहीं कि रोज खाना घर में बनाना है, कभी कभार मियाँ से कहें आते टिक्के तो ले आइए. हाँ तो क्या हुआ, आज मेरा पकाने का मूड नहीं है. ज़रूरी है ये चीज़ें, क्योंकि रूटीन लाइफ जब मर्द बोर हो सकते हैं एक ही जगह नौकरी करने से, तो औरतें बोर नहीं हो सकती हैं कि घर की जिम्मेदारी वही 9 to 5 है, कि 9 to 5 भी नहीं होती, उसका तो टाइम कोई पता ही नहीं है कि अब ख़त्म होंगे हमारे काम. वो काम निकलते आते हैं, काम ख़त्म ही नहीं होते. हम सोचते हैं आज हम 10 बजे सोएंगे, लेकिन सोते सोते वही 12, 12:30 बज जाते हैं. फिर घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द, कमर में दर्द, सर में दर्द, मोटापा, स्किन जल जाना, अपना ख्याल नहीं रखना, पैरों की फटी एड़ियाँ,
हाथों के नाखून टेढ़े मेढ़े, चिप चाप नेल पॉलिश, कोई ख्याल नहीं रखना। और फिर थोड़े दिनों बाद मियाँ हमसे बोर, आप घर के कामों से बोर होने लगती हैं, मियाँ आपसे बोर होने लगती है। तो इसीलिए हमें अपने ऊपर तवज्जो देना बहुत लाजमी है। तो जो सोता है वो खोता है। अच्छा, और बच्चों का टाइम टेबल बार बार चेंज ना करें, उनको एक टाइम टेबल की आदत बना दें। जैसे स्कूल से आना है, आते यूनिफॉर्म चेंज करना है, यूनिफॉर्म चेंज करके खाना खाना है, खाना खा के होमवर्क करना है या सिपारा पढ़ना है, और अगर नहीं तो फिर थोड़ी देर उनको सुला दें। आधा पौन घंटा उनको सुलाने से जो वो हाइपर हुए हुए होते हैं ना, जो चिड़चिड़े हुए हुए होते हैं, जो बदतमीज़ हुए हुए होते हैं, उनको सुला दें। और कोशिश करें सुबह के बजाय उस टाइम आप भी सो जाएं, यानी कि वो 45 मिनट्स कैलूला जिसे हम कहते हैं, जो सुन्नत भी है, वो आप भी करें। सब एक साथ एक कमरे में लेट जाएं। जब वो माहौल बनता है ना, हल्का सा अंधेरा करके, पंखा चला के, अब तो एसी का टाइम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म होता जा रहा है, हमारे थोड़ा मौसम बेहतर होता जा रहा है, तो उस हल्की हल्की ठंडक में आप भी सो जाएंगी, बच्चे भी, सब एक बिस्तर पे सो जाएं। बड़ा मज़ा आता है सच्ची दोपहर में इस तरह करने से। तो जनाब, आज का प्रोग्राम हम शुरू करने वाले हैं, कुछ नई बहुत सारी प्यारी प्यारी सी लड़कियां आ गई हैं और उनके बारे में आप जानते नहीं, इतने अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स वो कर रही हैं, ड्रामों में उनकी एक्टिंग आपको पसंद आ रही है, लेकिन आप जानते नहीं, आप एकदम कहते हैं यार ये लड़की कहाँ से आई है, अरे ये तो उजरा में भी थी, यानी कि आप उनके नाम भी प्रॉपरली सही से नहीं जान पाते। तो मेरा प्लेटफॉर्म ये काम करता है कि उन प्यारी प्यारी सी टैलेंटेड लड़कियों को मैं प्रॉपरली आपके सामने इंट्रोड्यूस करूँ उनके बारे में। हाँ, तो आप तो यही समझेंगे फलाने ड्रामे की सुकैना मेरे पास है या अलीना मेरे पास है, लेकिन एक्चुअली वो सुकैना और अलीना के पीछे असल नाम क्या छुपा है, ये आज आप जान पाएंगे हमारे प्रोग्राम में। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं आपके सामने आऊँगी और आपके साथ एक मज़ेदार सा प्रोग्राम, चाहे नए लोग हों चाहे पुराने हों, प्रोग्राम तो मुझे अच्छा ही करना होता है, ये तो मैं नियत करके आती हूँ सुबह सुबह के, एक अच्छी सी सुबह के साथ इब्तदा करनी है। और अगर मेरा शो वाकई अच्छा नहीं होता ना, आपका दिन तो अच्छा गुजरता ही नहीं होगा, मेरा बड़ा बर्बाद गुजरता है। तो मुझे अपना दिन अच्छा गुजारने के लिए आपका दिन, मेरी मतलब ही हूँ मैं, हाँ, अपने दिन को खुशगवार बनाने के लिए खास तौर पे आपके दिन को खुशगवार बनाना पड़ता है। आइए, तैयार हैं आप एक मज़ेदार राइड के लिए, लेकिन उससे पहले ज़रा मुझे बताएं आंटी आप क्या काम करती हैं, घर का निज़ाम कैसे संभालती हैं, ज़रा आपसे हम टिप्स लेना चाहते हैं, फिर मैं अपना बुंदा उठाऊंगी। हाँ, माइक तो देना ज़रा, क्या रूटीन है आपके घर का, कैसे अपना निज़ाम संभालती हैं? मैं सुबह उठती हूँ फजर की नमाज के बाद, फिर थोड़ी सी देर सो गई, फिर बच्चियां जाती हैं स्कूल वगैरह, हाँ। वहाँ से उसके बाद फिर बहुएं मतलब दुल्हन है, हाँ। वो उतरती हैं, अपने मियाँ को देती हैं, करती हैं काम, फिर हमारे शोहर हैं, हाँ। वो जाते हैं, उनको देना नाश्ता, अच्छा। उसके बाद थोड़ी देर आपका प्रोग्राम देखते हैं बैठ के, शो देखने के बाद फिर थोड़ा सा घर के काम में रूटीन में चले जाते हैं, फिर दोपहर 12 बजे मार्केट चली आती हूँ, मार्केट से आप लेकर, जी हाँ, तो सारा सौदा लिस्ट आपको बना के दे देते हैं? नहीं, मैं खुद ही करती हूँ, मतलब लिस्ट कोई नहीं बनाता, मैं ही लिस्ट बनाती हूँ, मैं ही घर की सरबराह हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, अच्छा, क्योंकि मैं रिटायर हो चुकी हूँ 1 साल हुआ भी। अच्छा, आप जॉब करती थी पहले? अच्छा, जब आप जॉब करती थी, टीचर थी मैं, जब आप जॉब करती थी और बच्चों, जब भी यही रूटीन थी, नहीं जब छोटे थे बच्चे, बहुएं नहीं थी, जब भी यही रूटीन थी, कितने बच्चे आपके? माशाल्लाह मेरे 6 बच्चे हैं, माशाल्लाह, उसके साथ आपने जॉब भी की है, जी, तो क्या रूटीन होता था? सब सुबह स्कूल जाना, मैं सबको बच्चों को स्कूल भेज के, मार्केट जाना, सौदा लाना, फिर दोपहर में पकाना, नहीं तो आप जाती थी ना स्कूल, दोपहर में जाती थी, दोपहर का स्कूल था, हाँ, वहाँ से आने के बाद नंद भी थी साथ, नंदे थी, वो भी संभालती थी, अच्छा, बाद में बच्चों को संभालती थी, जैसे स्कूल से आने के बाद, अच्छा। उनको कपड़े चेंज कराना, कपड़े खाना खिलाना, उसके बाद फिर मदरसे भेजना, उसके बाद हम आ जाते थे 5 बजे तक, उसके बाद फिर हम देखते थे बच्चों को अपने घर, सोना वोना नहीं आप रेस्ट नहीं करती थी? नहीं, अभी भी नहीं सोती, में नींद ही नहीं आती, हाँ। वही रात को जो रूटीन है, ईशा की नमाज के बाद जो 12 बजे 11 बजे सोना, फिर उसी तरह सुबह से उठना, कोई ऐसा मसला नहीं, चलते रहते ना, चलते रहने से जब आप बहुत आराम पसंद हो जाते हैं, फिर आप उतने एक्टिव नहीं रहते, अभी भी आप माशाल्लाह खुद सौदा सेल्फ खरीद के आते, अल्लाह आपको सेहत दे और इसी तरह अपने घर की जिम्मेदारियां आप ही उठाती रहे, आमीन। एक छोटा सा ब्रेक के बाद आइए, मैं जिम्मेदारी उठा रही हूँ आपकी सुबह को खुशगवार बनाने की, और फिर जाके अपने घर की जिम्मेदारियां भी उठाऊंगी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद रही मेरे साथ। वेलकम बैक
گڈ مارننگ پاکستان بھائی, میرا کام یہاں پتہ ہے کہ آپ کو فائدے 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 پہنچاتی رہوں, اسی لیے میں آپ کو پھر سے بتا رہی ہوں, یاد دلا رہی ہوں کہ اگر آپ $1 جمع کرائیں گے تو آپ ہر ایک منٹ میں جیت سکتے ہیں جوانی پھر نہیں آنی 2K ٹکٹس, اور جتنے زیادہ ڈالر جمع کرائیں گے اتنے زیادہ ٹکٹ جیتنے کے مواقع آپ کو مل جائیں گے, اور آن دی ادر ہینڈ آپ جیتو پاکستان میں گفٹس بھی جیت سکتے ہیں. تو زیادہ سے زیادہ ڈالر جمع کرائیے اور زیادہ سے زیادہ جیتنے کے مواقع پائیے. آئیے جی, ابھی میں آپ کو جس خوبصورت لڑکی سے ملوا رہی ہوں, اس کو ویسے تو آپ نے اس کو ماڈلنگ کی دنیا میں دیکھا ہوگا, بہت سارے ڈیزائنرز کو وہ پروموٹ کرتی ہے, ان کے کپڑے پہن کے فوٹو شوٹس ہوتے ہیں, بڑی خوبصورت اس کی اسکن ہے, بہت اسمارٹ ہے, بہت اچھے سے کپڑوں کو کیری کرتی ہے, اور اب تو وہ ایکٹنگ بھی شروع کر دی ہے. آپ دیکھ رہے ہوں گے ایک ڈرامہ ARY پہ جو ابھی کچھ دن پہلے ہی شروع ہوا ہے, جس کا نام ہے کوئی چاند رکھ, اور اس میں آئزہ کے ساتھ ایک اور خوبصورت سا چہرہ ہے. اگر آپ نے اس کو ماڈلنگ کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا تو آپ سوچیں گے کہ کہیں آئزہ کی بہن تو نہیں ہے, ویسے ہی کھڑی ناک, ویسے ہی نقوش, کھڑے کھڑے سے اور انگریزی چہرہ, یہ کون ہے لڑکی؟ تو میں آپ کو آج اس لڑکی سے اور ساتھ ساتھ اس کے بھائی سے ملوانے والی ہوں. آئیے ویلکم کرتے ہیں اریبا حبیب اینڈ شہریار حبیب. اریبا کو سب دیکھ رہے ہیں کوئی چاند رکھ میں, پہلی دفعہ ایکٹنگ کری اریبا؟ بہت نروس ہوں ابھی تک. آپ کو پتا ہے میں جب ٹی وی 8 بجے والا ایپیسوڈ دیکھتی نہیں, میں جب وہ ختم ہو جاتا ہے نا رات کو دیکھتی ہوں آرام سے اکیلے بیٹھ کے لیپ ٹاپ پہ. اچھا, اور پھر اپنے بھر نکالتی ہوں کہ میں نے یہاں گڑبڑ کی, او ہو ہو اگلی دفعہ ایسے نہیں. بہت کی ہیں گڑبڑ, تو ایک نہیں ہے بہت. پہلا ڈرامے بھی تو اتنا مارجن تو آڈینس بھی دے دیتی کہ یار نئی بچی ہے کوئی بات نہیں. بائی دی وے آپ کو یاد ہوگا, آپ کو میں نے سب سے پہلے بتایا تھا میں ڈرامہ کر رہی ہوں تار پہ. واو زبردست. اچھا تو اریبا, ڈرامہ کرنا زیادہ مشکل ہے یا ماڈلنگ کرنا زیادہ مشکل ہے؟ یار مجھے تو, مجھ سے پوچھو تو مجھے تو ماڈلنگ مشکل لگتی ہے, ایک دیر تک یوں کر کے کھڑے میرے تو درد ہو جاتا ہے, میرے پورے مسلز پھول ہو جاتے ہیں. مطلب اچھا میرے لیے ابھی ایکٹنگ مشکل ہے کیونکہ آبویسلی میں ماڈل اتنا کر چکی ہوں ماڈلنگ, تو اب ایکٹنگ. تم سانس روک کے پیٹ اندر کر کے, تمہیں تو خیر ضرورت ہی نہیں, میں پیٹ اندر کر کے کھڑی ہوتی ہوں. ابھی آپ کو بھی نہیں ہے ارا پلیز. اچھا تو تمہیں لگتا ہے کہ ایکٹنگ مشکل ہے ماڈلنگ سے زیادہ, تو اگر نئی لڑکیاں جو آنا چاہتی ہیں اس فیلڈ میں تو ان کو اسٹارٹ کہاں سے لینا چاہیے؟ ان کو اسٹارٹ کہاں سے لینا چاہیے؟ ان کو سب سے پہلے ڈرامہ دیکھنے چاہیے پاکستانی. اچھا, سیکھنے کو بہت ملتا ہے, مجھے ڈرامہ سے سیکھنے کو ملا. آپ کتنے انگلش ڈراماز دیکھ لیں, سیریز دیکھ لیں, بٹ جو آپ پاکستانی ڈراموں سے سیکھتے ہیں نا, ہمارا ایک الگ موڈ, الگ موڈ ہوتا ہے ڈراما, ہے نا, اس سے سیکھنے کو ملتا ہے. تم نے جب پاکستانی ڈراما تب دیکھنا شروع کیے جب تمہیں خود ڈرامے کی آفر ہے یا تم پہلے سے دیکھتی تھی؟ پہلے شاید میں بہت کم دیکھتی تھی, لیکن جب مجھے مل گیا اور میں ایکٹنگ جب میں پہنچی اپنے پہلے سین کے لیے تو مجھے, مجھ سے ہو ہی نہیں رہا تھا. ہاں آبویسلی آئزہ, عمران اینڈ دین منیب, یو نو سارے یہ لوگ مطلب ماسٹر ہیں ایکٹنگ میں, تو میں بس ایسے تھی. بٹ آئزہ نے اتنا سپورٹ کیا, عمران نے, میرا ڈائریکٹر اتنے اچھے سر سراج, اینڈ منیب بہت سویٹ ہے, ان لوگوں نے اتنا ہیلپ کیا. ندا بھائی نے کچھ ہیلپ کی گھر میں, تمہاری ٹانگی کھینچتا رہا, اتنی برائیاں کی اب تک, ابھی تک کرتا ہے. اہے کیسے چل رہی تھی بھائیوں کا کام, یہی ہے نا ابھی تک. ہم ان کے اچھا کیا مذاق کیا اڑاتے تم اریبا کا, کہ کیا ایکٹنگ میں کیا مذاق اڑاتے؟ وہاں تو تم اتنے بھرا دکھاتی ہو اور یہاں پہ گھر پہ کیا ہو تم, گھر پہ تو اریبا چلو جاؤ, چلو 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 اپنا رستہ کام کرو. اس کی ایک فیوریٹ لائن ہے, ہاں میری عادت ہے کہ میں جا کے کوئی بھی کام, اگر یہ غلط, اس کی عادت ہے کہ یہ جیسے اپنے جم سے آیا کہیں سے آیا تو اپنے شوز کامن روم میں چھوڑ دیے کہیں, تو اب مجھے یہ چڑ ہوتی ہے کہ یار گھر کی سیٹنگ کی خراب کرو نا, کوئی آئے برا لگتا ہے. تو میں اماں کو جا کے بولتی ہوں پہلے, ان کا دروازہ نوک کر کے, دیکھیں شہرین آج پھر شوز باہر اتارے ہیں, شکایت اور اس کا, اور اس کو جا کے الگ شکایت کرتی ہوں کہ تمہیں پھر آج شوز باہر اتارے تھے. اس نے سن لیا ہوتا ہے کہ یہ اماں کو بول کے آگے سے کہتا ہے اچھا جاؤ اپنا کام کرو, جاؤ جو ہوگا اماں اور میں دیکھ لیں گے. تم دو بہن بھائی ہو یا اور کتنے بہن؟ نہیں ہم لوگ پانچ بہنیں. ماشاء اللہ, یعنی مجھے آج کل جتنے بھی میرے پاس گیسٹ آ رہے ہیں بڑی بڑی فیملیز ہیں, مجھے خوشی ہو رہی ہے. ہاں ہاں, اچھا ماشاء اللہ تم لوگ ٹوٹل 8 بہن بھائی ہو, 5 بہنیں, تمہارا نمبر کہاں سے؟ میرا سیکنڈ لاسٹ.
सेकंड लास्ट तो छोटी हुई और ये लास्ट ये छोटा है ऊपर तले के खूब लड़ाई नाखून खुद नोचोगे तुम्हें ये मुझे अब तक कोई रेसलिंग के दाव लगते हैं भाई ओए 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 पता नहीं कहां कहां से आते हैं और अम्मा बोलती है खुद ख्याल करो वो लड़की है नाजुक है कुछ टूट फूट ना जाए अभी तक और ये लोग अच्छा और चलते फिरते जैसे अब अगर मैं कॉमन रूम में बैठी हूँ अम्मा के साथ टीवी देख रही हूँ तो आते जाते ना कभी सर पे हाथ ये तो भागों की तो ये तो मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है आते जाते एक ठुंगा लगाएंगे एक मुक्का लगाएंगे रेसलिंग के शौकीन हो जी हाँ अच्छा अब अगर फर्स्ट करो तो मैं तुम लोगों को एक साथ ऑफर हो बहन भाई का ना कैरेक्टर ड्रामे में तो तुम करोगे कि नहीं करोगे जी जरूर करूंगा करोगे वहां भाई एक्टिंग का जरासीम आपके अंदर भी मौजूद है इसका मतलब इसको है शौक कमर्शियल्स और चीजों का लेकिन फिलहाल इसका ये है कि इसको पढ़ाई करनी है अपनी एंड देन अभी ये नेक्स्ट ईयर जा रहा है पढ़ने के लिए बाहर जा रहे हो हां तुम्हारी जान छुटी है सुना मैं खुश हुई जब मेरी बहन की शादी हुई थी मुझे याद है मेरी सिस्टर है फरी हाँ. तो जब तक मेरा टाइम आया था कि मुझे रूम मिला था तो वो शेयरिंग पे था मेरी सिस्टर फरी के साथ हाँ. तो मैं इतना जेलस होती थी और जब उसकी शादी होने वाली थी उसकी शादी से 3 महीने पहले मैंने उसकी पूरी क्लोजेट खाली कर दी हाँ. उसकी चीजें निकाल के फेंकना शुरू किया अच्छा ये दे दो गरीबों को ये हाँ. भी निकाल ये मुझे दे दो ये दे दो और मैंने उसकी पूरी चीजें निकाल के बेचारी शादी से 2 महीने पहले तक अपने कपड़े सूटकेस से निकालती थी और अम्मा आज भी कहती है मतलब कि जब लड़की विदा हो रही होती है तो उसके नखरे उठाए जा रहे होते हैं उसको मजे मजे के खाने बना के खिलाए जा रहे होते हैं अपनी चीजें दी जा रही हो और तुमने भी बैठ गए और उसके जाने के बाद तुमने किया होगा यस पूरा रूम मेरा सुकून चिल करती हूं ओए ओए तुम भी ऐसे करना जब जाएगी इसका अपना रूम है अपना तुम दूसरा भी ले लेना ना कभी इधर कभी उधर आओ प्लीज बैठो कहां बैठना पसंद करो इधर बैठो आ जाओ हाँ जी अच्छा अरीबा तुमने क्या पढ़ा है वैसे मैंने तो फैशन पढ़ा है अच्छा फैशन डिजाइनिंग पढ़ी है तो तुमने क्या कैसे सोचा ये फैशन डिजाइनिंग पढ़ के ही तुम इस फील्ड में आई मॉडलिंग की फील्ड नहीं जब मैंने फैशन का मेरा फर्स्ट ईयर शुरू हुआ था यूनिवर्सिटी में मैं तभी आ गई थी तो तुम्हें क्या कैसे ऑफर हुई थी कि तुम्हें कौन मिला मुझे फ्रिया लेकर आई फ्रिया ताप एंड टप्पू जबी जी Oh, great. तो तुम उनके पास गई थी और उन्होंने तुम्हें कहीं देखा था नहीं हुआ ये था कि हम मेरी फैमिली का एक हाई टी था पीसी में और वहाँ पे ऑडिशन हो रहे थे एक शो के अच्छा तो वहाँ पे फ्रिया ने मुझे वहाँ वॉक करते हुए देखा मेरी सिस्टर भी थी मेरे साथ बड़ी हाँ. And फ्रिया ने मुझे देखा तो कहती है कि ऑडिशन के लिए मैं शलवार कमीज में थी हाँ. एंड देन फ्रिया ने बोला ऑडिशन के लिए आओगी मॉडलिंग का तो मैंने कहा कि मॉडलिंग का मेरी सिस्टर ने बोला चली जाओ क्या कुछ नहीं हो रहा होगा जब मैं अंदर रूम में गई हॉल में वहाँ पे सब लड़कियाँ जीन्स हील्स एंड ऑल मैं थोड़ा अजीब सी हो गई ना कि मैं तो शलवार कमीज में हूँ एनीवेज उस दिन हो गया ऑडिशन सिलेक्ट हो गए बातें बातें करी घर आ गई ना अच्छा। 10-15 hours में अच्छा फिर उसके बाद नेक्स्ट डे फोन आता है तकरीबन शाम में 6-7 hours कि आप सिलेक्ट हो गई हैं फिर मैंने मदर को फिर बताया कि इस तरीके से हुआ था मैं चली जाऊँ एंड देन मेरे फादर वॉज अलाइव दैट टाइम तो उन्होंने बोला कि हाँ अरीबा चली जाओ कोई बात नहीं सोके जाओ अब्बू ने इजाजत दे दी ऐसे मजे से मेरे फादर बहुत मलंग मैं उनको मलंग बोलती थी मलंग इंसान तो उन्होंने कभी हम बच्चों को मना नहीं किया कि ये ना करो अच्छा कभी नहीं वाओ वाओ तो लाइक मॉडलिंग तो एक होता ना कि चलो एक्टिंग में ही होता है कि आप अपने हिसाब से कपड़े शपड़े पहने मॉडलिंग में तो आपको जो डिजाइनर कहे वो आपको उसको कैरी करना पड़ता है तो इसलिए अब्बा ने कुछ तुम्हें इनफैक्ट मेरे बड़े भाई नासिर भाई उनकी इतनी सपोर्ट जो ब्राजील में रहते हैं उनकी इतनी सपोर्ट है मुझे तो मुझे कभी मना नहीं किया किसी ने इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है निदा जैसे आप लोग भी शोज करते हैं चीजें करते हैं हम लोगों को हमारी लिमिट से चीजें पता है क्या करना है कहां तक जाना कहां तक हम कर सकते हैं और हम लोग उसको कैरी भी कर लेते हैं एग्जैक्टली ये सबसे अच्छा और जब घर की सपोर्ट होती है ना तो फिर वो चेहरे पर नजर आती है अब रिलैक्स होते हैं काम करने में और आप कंफर्टेबल होते हैं बिकॉज़ आपकी बैक स्ट्रांग होती है कि अम्मा अब्बा भाई यू नो सारे लोग ये कभी तुमसे पैसे मांगता है या तुम इससे पैसे तुम तो बड़े भाई से मांगते हो मैं खुद ही देती हूं उसको पैसे हां मैं देती हूं उसको बहन का पैसा बहन से पैसे लेने में बड़ी बहन से कितना मजा है अच्छा तो फिर जब तुम्हें ये कुछ पैसे वैसे देती है तो एहसान जताती है तुमसे कोई काम करवाती है एवरी डे हां एवरी समटाइम्स मैं कुछ काम करवाती है शेरी कुछ यार ये जैसे कुछ ला के दे दो या कुछ मंगवाना है जैसे कि जमजमा चले जाओ मुझे फिलहाल चीज पिक करा दो कुछ ऐसे कोई ड्रेस वगैरह कहीं से तो कहते हैं यार मैं नहीं जाना मुझे चले जाओ अच्छा सुनो फिर ये चीज भी ले आना वो भी ले आना ये पैसे रख लो अपने लिए भी कुछ ले आना आते हुए कुछ खा लेना कुछ खा लेना कुछ ये निकल रहा और तुम्हें एक और चीज कहती हूँ
मैं कहती हूँ अच्छा तुम अकेले जा रहे हो, अपने किसी दोस्त को साथ ले जाओ ना, एक कंपनी हो जाएगी, आ जाओ एक डेढ़ घंटे में. उस वक्त मैं इसको गाड़ी दे देती हूँ उस टाइम पे. अच्छा अदरवाइज मेरी गाड़ी मैं कभी नहीं देती, अपने काम के लिए दे देती हूँ अपने काम पे. अच्छा तो चला ले गाड़ी, कभी ठोकी इसकी गाड़ी तुमने? इसने मेरी गाड़ी पे इतनी लाइन्स मारी हुई है, इतनी बार ठोकी है, उसके बाद फोन करके बताया नहीं है, आके गाड़ी खड़ी कर दी. मुझको बाद में रात को एकदम से पता चलता है कि गाड़ी तो आगे पीछे से कहीं से कुछ हुआ हुआ है. तो मैं हैरान की तुमने किया क्या यार, वो एक लग गई गाड़ी. मैंने कहा लग गई, इतनी लग गई, इससे ज्यादा लग गई है. अच्छा, तो तुम क्या, तुम कीड़े क्या निकालते हो इसकी एक्टिंग में, इसकी नकल उतार के दिखाते हो या क्या करते हो? ऐसी जरा जैसे एज चल रही होती है, इसका स्टाइल होता है. हाँ. होता है, तुम तो ऐसे ही चल रही थी वहाँ पे और यहाँ देखो कैसे यूं चलती हो. तो मैं इसकी नकल उतारती हूँ. अच्छा, तो डांट फिर अम्मी से पड़ती है कि जब इसको बहुत इरिटेट कर रहे हो तो अम्मी किसका साइड लेती है? इसका मेरा. मारा लेती है? हाँ, मेरी अम्मा का अभी एक रूल है आजकल घर में जो नया शुरू हुआ है. हाँ. वो मेरे कमरे में आती हैं, उनको पता है आजकल मैं बहुत बिजी होती हूँ, ड्रामे के शूट्स हमारे बहुत, आपको पता है कितने हैट्रिक होते हैं. हाँ. वो मेरे रूम में आती हैं, हल्का सा दरवाज़ा खोलती हैं. अच्छा. देखती हैं जैसे मैं बिजी हूँ, फ़ोन पे बात कर रही हूँ दोस्तों से या लैपटॉप पे कुछ देख रही हूँ, सीरीज वगैरह. हाँ. आएंगी देखेंगी, अच्छा हल्के से दरवाज़ा बंद होगा, फिर वो आएंगी शहरी के रूम में या अपना कोई गेम खेल रहा है, कुछ कलर आवाज़ आएगी, सब लगे रहो, सब अपना अपना लगे, दरवाजा बंद होने की आवाज आती है, धाड़ धाड़ पूरे घर में. तुम्हारा हल किसे होता है ऐसा धाड़ पूरे घर में आवाज आती है. और कभी कभी ऐसे भी होता है, आजकल वो रैंडम चीजें करने लगी है ना, मैं अकेली होती हैं यार, जाहिर है 8 बहन भाई और अब सिर्फ 2 बच्चे इधर है, तो बाकी का हम उनके पीछे लगे हुए. आप प्लीज बड़ी बहन के पास चली जाए ना अमेरिका एक दो महीने. अच्छा, वो अमेरिका में होती बड़ी बहन. हां, मैं बोल रही हूं प्लीज आप उनके पास चली जाए एक दो महीने रहकर आए. हां, आज वो एक दो और चीजें रैंडम वो कर रही हैं आजकल. सुबह सुबह उठती हैं और जोर जोर से आवाज आने लगती है घर में चीजों की. वो क्या आवाज होती है, वो कोई तोड़ फोड़ नहीं रही होती, वो रख रही होती है जोर जोर से, दरवाजे बंद हो रहे हैं बिना वजह के. लिए मेरे रूम में आएंगी, ब्लाइंड्स ऊपर कर देंगी. ठीक है, यार अकेली हो गई ना बेचारी. हम लोग अपने, मैं उठती हूँ, मैं उठ के शरार से पूछती हूँ क्या हुआ है, ये मुझसे पूछता है तुमने कुछ किया, मैं कहती हूँ नहीं तुमने कुछ किया नहीं, हुआ क्या है. तो हम 2-3 बजे तक देखते हैं उनका मूड कहाँ तक जा रहा है, फिर बाद में खुद ही बता देती तुम सब बिजी हो अपना अपना, किसी के पास टाइम नहीं है मेरे लिए. मम्मी को भी बोला ड्रामों में काम करे, अच्छी होंगी वो, प्यारी बच्ची है. नहीं करेंगी वो, नहीं करेंगी, नहीं करेंगी, मुझे पता है. मम्मी को मैंने बिजी करो ना. मैं उनको इतना इंसिस्ट कर रही थी कि मैं शो पे जाऊंगी तो आप प्लीज चले, निदा के शो पे कह रही है अच्छा चलो एक दफे चली, मुझे पसंद है तो चली जाऊंगी शो पे, वो बस ये. ओ वाह, तो फिर इसका मतलब अगली दफा हम आपको अरीबा की अम्मी से भी बुलाएंगे जब तुम्हारा सीरियल खत्म हो रहा होगा ना. Sure. तब हम बुलाएं. अच्छा, हमारे पास एक और बहुत प्यारी सी जो नई लॉट में लड़की आई है और इसकी एक्टिंग इतनी अच्छी है कि लाइक इसको हमेशा जो भी आप ड्रामा देखें इसको आप बड़े अच्छे कैरेक्टर्स मिलते हैं प्ले करने को, जिसमें लाइक कहानी जिसकी वजह से चल रही होती है. बहुत मशहूर ड्रामों में आपने इनको देखा है परफॉर्म करते हुए, बाकायदा परफॉर्मर हैं ये और मासूम सी शक्ल की है, सारे पिटी रोल्स करती हैं बिल्कुल जिस जुल्म हो रहा होता है. आइए मैं वेलकम करती हूँ मरियम नफीस अपनी बहन महम के साथ. जुर्मा बहने लगे. ओह माय गॉड, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, बिल्कुल ठीक. मैंने कहा कि क्या जितनी है मासूम शक्ल से लगती है, सारे रोल जैसे मिलते हैं. जुल्म हो रहा है मरियम के ऊपर, जुल्म हो रहा है यकीन का सफर भी. और एक और भी कोई प्ले था जिसमें भी तुम्हारे ऊपर एक और प्ले में भी जुल्म हुआ है? कुछ ना कुछ होता रहता है, होता रहता है हमेशा. बल्कि उसमें भी तो थी ना तुम. हाँ, यकीन के सफर में तुम्हें तुम्हारा मियाँ बहुत मारता है, डोमेस्टिक अब्यूज विक्टिम बना दिया था. गोली 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 भी लगती है, गोली भी लगती है. एग्जैक्टली, बच जाती हूँ. जानी नहीं मरियम को अभी जब उसने नाम लिया ना कि यकीन के सफर में मैं थी, तो मुझे एकदम याद आई वो तुम थी जो फिट रही थी. सादी सुधी होती है बिकॉज मैंने पूरा ड्रामा देखा है ना. बहुत अच्छा ड्रामा. और एक एक ड्रामे में तुम्हारा केस कौन लड़ रहा होता है? तुम्हारा इसी में यकीन के सफर में भी केस लड़ा जा रहा होता था? नहीं, वो दूसरा था. नहीं नहीं, इसी में होते हैं वो सज्जल. हाँ. आकर जो है वो फिर देखती है कि हाँ. अच्छा इसको क्यों मारी है, एंड देन शी टेक्स अ स्टैंड और उस तरह से. ओके ओके. तो तुम्हारा कौन सा था पहला ड्रामा? दियारे दिल.
मैं वही कहती थी दियारे दिल में ये था वो था दियारे दिल. और कौन कौन से ड्रामों में तुमने कहा? मैंने किया यकीन का सफर, हया के दामन में, कुछ ना कहो, बहुत ज्यादा काम नहीं किया. आई एम वेरी पर्टिकुलर लाइक दैट. तो कितने मतलब कितने अरसे से तुम कर रही हो? दियारे दिल आया था 3 साल पहले. अच्छा, तो पहला ड्रामा था वो? पहला ड्रामा था. ओके. और जो ऑन एयर गया था साथ साथ हम एक और भी शूट कर रहे थे मुनकर. अच्छा, लेकिन वो उसके बाद ऑन एयर गया था. ओह ग्रेट. अच्छा, तो शुरू से ही घर में ही एक्टिंग करती रहती थी? एक्ट्रेस बन जाएगी? हम कभी सोचा भी नहीं था. अच्छा, इसकी भी कहानी कि ये कैसे आई, इसकी किसको किस तरह फ्रिया ने अप्रोच किया, किस तरह ऑफर की, तुम्हारी कोई कहानी है कि तुम किस तरह आई इस फील्ड में? एक्सीडेंटली आई या खुद ऑडिशन देने आई थी कहीं? नहीं नहीं, मैं एक्सीडेंट बाय चांस बेसिकली. मैं थिएटर प्रोडक्शंस करती थी. अच्छा. वहाँ पे जो है लाडो में पली उस वक्त एक ड्रामा आता था, उनको एक कैमियो चाहिए था एक दिन. थिएटर में तुम एक्टिंग करती थी या प्रोडक्शन? नहीं नहीं, मैं प्रोडक्शन करती थी. अच्छा, कौन से थिएटर? और नैपा? नहीं नहीं, नैपा का नहीं, इस्लामाबाद से पीएनसी में कॉपी कैट्स के साथ थी मैं. अच्छा अच्छा अच्छा, तो तुम उनका सारा प्रोडक्शन संभाल रही होती थी? बेसिकली सेल्स मार्केटिंग प्रोडक्शंस देख रही थी. फिर एक दोस्त ने बोला कि यू नो एक छोटा सा रोल है, 2 घंटे का काम है, तो इफ यू आर अवेलेबल आके प्लीज कर दो, सज्जल की दोस्त का है. अच्छा, सज्जल की दोस्त? वो भी सज्जल की दोस्त का था. तो मैंने वो किया था, उसके बाद आई गॉट अप्रोच्ड बाय डिफरेंट पीपल एंड. अच्छा, इस तरह तुम्हारा ऑडिशन हो गया. तुम लोग कितने बहन भाई हो? हम 4 हैं. 4 हो? और तुम? 2 बहनें 2 भाई और मैं सबसे बड़ी. तुम सबसे बड़ी. तो ये जब इसने ये ड्रामे में एक्टिंग की और कैरेक्टर्स भी इसको इतने मजे मजे के मिले, तो तुम लोगों का क्या रद्द अमल था? तुम लोग खुश हो रहे थे या चढ़ा रहे थे? खुश हो रहे थे. हाँ, खुशी होती है. लेकिन घर में ऐसा कुछ नहीं है कि जो है वो लाइक हम होते हैं ना, आप थोड़ा सा बाहर से आते हैं या कोई बाहर से आता है और आपको देखता है और मिलता है और पिक्चर्स खिंचवाना चाहता है कुछ. हाँ. अम्मा कहती हैं प्लीज़ ज़रा कोई हमारे घर में सेलिब्रिटी वाला कोई सीन नहीं है, इजी हो जाओ. हाँ, कोई ट्रीटमेंट कहीं नहीं मिलता. हाँ, बिल्कुल दिमाग खराब नहीं होने चाहिए. तो वो बहन भाइयों के साथ. तो तुम इस्लामाबाद से बिलोंग करती हो? तो तुम इस्लामाबाद से फिर जब कराची काम करना होता है फिर कराची आती हो प्रोजेक्ट करने के लिए? प्रोजेक्ट करने के लिए. देखो ये डेस्टिनी होती है इस तरह, आहिस्ता आहिस्ता आपको आप सोच भी नहीं रहे होते कि क्या हम बनेंगे क्या. लेकिन वैसे मैं तुम लोगों से पूछूंगी कि कुछ सोचा तो होगा कि अरीबा जो है उसने क्या बनना है, मरियम ने क्या बनना है. अच्छा, मैं तीसरी जो गेस्ट है उनको भी बुला लेती हूँ और फिर मैं ब्रेक पे जाती हूँ. तीसरी जो गेस्ट है उनको आप मेरे शो पे बहुत दफ़ा देख चुके हैं. अभी कभी अपनी पूरी फैमिली के साथ आई हैं, कभी अम्मी के साथ आई, कभी अब्बू के साथ आई, और आज मैंने उनकी छोटी सी क्यूट सी बहन है उसके साथ उनको बुलाया है. आपकी फेवरेट और बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी, टैलेंटेड निमरा आज अपनी बहन बख्तावर के साथ. ये वो बच्ची है जो हमारे शो में पली बड़ी है, यानी कि ये हर साइज की आई है माशाल्लाह. मुझे लगता है अगर तुम्हारी निदा खाला जवान रही तो तुम्हारी शादी भी मैं इसी शो से कर. हाँ भाई, इनसे बहुत सारे गप्पे लड़ाने क्योंकि अब ये बड़ी हो रही है तो इनकी अपनी सोच तब्दील हो रही है. पहले तो इनकी बातें जो है सारी अम्मा अब्बा और बहन करे होते थे, लेकिन अब देखिए हमारे पास 2 सेलिब्रिटी हैं. खाली निमरा सेलिब्रिटी नहीं है, ये भी आपको बहुत सारे कमर्शियल्स में नजर आती हैं बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ. तो एक छोटे से ब्रेक के बाद आइए हम मजेदार गप्पे लड़ाते हैं अपनी खूबसूरत हसीनाओं और उनकी फैमिली के साथ. मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. मुझे ये एक मेरे पीछे फ्रेम लगा हुआ है जिसमें फैमिली लिखा हुआ है, और ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है मेरे प्रोग्राम में, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आता है जब सेलिब्रिटीज़ की फैमिली मेम्बर्स यहाँ आते हैं और उनके साथ में बात करती हूँ, क्योंकि शायद सेलिब्रिटी भी अपने आप को उतनी अच्छी तरह नहीं जानता जितना उसके फैमिली मेम्बर्स उसको बयान कर पाते हैं. छोटा पीस लेकर आई हूँ, कुछ बोल ही नहीं सकता. छोटा पीस ज़्यादा सच बोलेगा, उसको नहीं पता क्या बोलना है क्या नहीं बोलना. तो जी, हमारे साथ बहुत प्यारे प्यारे चेहरे हैं. अरीबा हैं अपने भाई के साथ, निमरा हैं बख्तावर के साथ, मरियम है महम के साथ. कितने तुम लोग मिलते जुलते नाम है, मरियम महम है ना? भाई के भी ऐसे ही हसन और हादी. अच्छा, कितने तुम लोग? 4 हो? 4. मरियम महम हसन और हादी और निमरा, ये लोग 8 हैं. तुम लोग टोटल कितने हो? 6 हो. निमरा 6 4 नहीं 6 नहीं 8 4 6 और 4. मेरे माँ बाप में बहुत प्यार.
मैं जीत गई नहीं क्यों मेरे मां दो काम के तुमने प्यार मेरे मां के दो काम इस फिल्म में प्यार कम है वही तो कह रही हूं मैं ज्यादा तुम ये बोलो मेरे मां में तो कोई और बात करते हैं कोई और बात करते हैं बच्ची भी बैठी हुई है अच्छा मैंने इन दोनों से पूछा कि ये कैसे आई इस फिल्म में आई डोंट थिंक सो निमरा मैंने तुमसे पूछा कि तुम कैसे आई क्या एक्सीडेंटल हुआ या नहीं ऑल्दो मुझे नहीं पता सब मतलब मैं कहती हूँ ब्लेसिंग है कि अगर आपके माँ बाप आपकी मोटिवेशन हो सबसे पहले अम्मी थी ना मेरे अम्मी अबू थे दोनों इन लोगों ने मुझसे बात करना छोड़ दी थी इनको हमेशा से शौक था कि मैं हमेशा से आर्टिस्टिक थी नहीं तो अम्मी अबू क्या ड्रामे वगैरह में काम किया उन्होंने नहीं 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 उन्होंने नहीं कभी किया अम्मी ने किया था कशकोल लाइक बहुत तो उस पर मैं इंडस वैली से फिल्म एंड टेलीविजन कर रही थी पढ़ रही थी अपना तो मैंने ग्रेजुएशन अपना बैचलर्स अपना कम्प्लीट किया वहाँ से तो मतलब चाइल्ड स्टार के लिए ना सिट्रस वालों ने वो डाला हुआ था एक स्टेटस डाला हुआ अच्छा तो मैं इसको ले गई वहाँ पर उन्होंने मुझे देखते ही कहा कि आप क्यों नहीं कुछ कर रही मैंने कहा हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं इसका बस अच्छा मुझे कॉल आ रही है कि ना आपका ये कमर्शियल है आपका ये कमर्शियल है मैंने कहा अच्छा अच्छा नहीं मेरा तो एग्जाम है परसों मैं तो नहीं कर सकती फिर तीन चार दिन के बाद इसका ऑडिशन वापस करने गए तो मैं ही लेके गई अम्मी को तो अम्मी बैठ के कहती हैं या तो मेरी बच्ची की किस्मत ख़राब है या मेरी बच्ची की शक्ल ख़राब है आप लोग एक कॉल नहीं कर रहे उसको ना मतलब छोटी के लिए की जा रहे निम्रा के लिए कह रहे हैं इससे पूछा हमने परसों भी कॉल की उसको एक हफ्ता पहले भी कॉल किए और मैं ना बस दियो करके ना मैंने कहा शेर मुझे नहीं पता ये सब कुछ हो जाएगा अम्मी अबू ने मुझसे दो दिन बात नहीं की फिर मैंने उनको कॉल मैंने कहा अच्छा बताएं कोई ब्रांड है तो बताएं करूँ अब फिर इस तरह ग्रेजुअली ग्रेजुअली फिर मुझे इतना इंटरेस्ट कभी नहीं था अम्मी को ज़्यादा लेकिन अम्मी अबू दोनों लेकिन जब मैंने लाहौर में थी हम लोग शॉपिंग कर रहे थे तो वहाँ कोइंसिडेंटली मेरा पहला ड्रामा था वो भी स्टार्ट हुआ था मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती कोई फ़ैन मिलेगा मुझे मेरे पास तीन चार लड़कियाँ आई फैंस ना और मैंने देखा सारा सारा अम्मी अबू ना दोनों और वो जो चमक उनकी आंखों में थी ना उसके बाद फिर मैंने ठाना मैंने कहा नहीं अब उनको वही वाली बात कि जरूरी नहीं कि दो काम में तो प्यार नहीं है प्यार बहुत है दोनों प्लानिंग से रहते रहते पहले एक्टर बना दिया फिर बच्ची बैठी नहीं पहले एक्टर बना अब सिंगर बनो मतलब उनको मेरी आवाज़ बहुत पसंद है तो सिंगर बनो अब पीछे सिंगर सिंगर सिंगिंग करो सिंगिंग अब वो रोज़ अबू कहते हैं मैं सारे काम छोड़ के तुम्हें पिक एंड ड्रॉप दूंगा हर चीज़ को छोड़ूंगा तो मैं लेकिन तुम्हें सिंगिंग में ध्यान देना तो अब सिंगिंग के लिए प्रैक्टिस वो एक्चुअली जब कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं उनकी अपनी जो ख्वाहिशात होती हैं वो सब हाँ मेरी अम्मी ये कहती है मेरी अम्मी ये कहती है कि मेरी ख्वाहिश है मैं तुम्हें उस तरह देखूँ मैंने कहा मैं टेबल ऊपर रख के पाँव रख के ना मैं खड़े होकर टेबल पर मैं वहीं पर गा के आपको नीचे उठा के तालियां बजा देना लेकिन तुम्हारी अम्मी अबू का साथ क्या हुआ जब तुम आई गाने में मैं वही कहने वाली थी कि दिस इज ऑल्सो वेरी रेयर कि यू नो आपके पेरेंट्स इतने सपोर्टिव हों बिकॉज यूजुअली आजकल नहीं होते वो यही कहते हैं कि अच्छा यू नो नहीं करना कोई जरूरत शादी कर देंगे तुम्हारी यू नो कुछ भी कर लो बस ये नहीं करना सॉरी मैं नाम ही लूँगी बट एक आर्टिस्ट है उनके अबू ने तो मतलब उनके अबू इतने खिलाफ हैं कि उन्होंने एक तो उसको कहा कि आप जाओ और कहा कि मुझे इतने मंथ्स में अगर प्रूफ करके नहीं दिखाया तो यू हैव टू कम बैक और वो इस डिप्रेशन में रहता है कि मैं कैसे उस चीज़ को मैं मनवा सकूँ उनको वो उसको ज़्यादा ये नहीं है कि वो हासिल करे वो जगह जो उसका शौक है उसको अभी ये डिप्रेशन रहता है कि मुझे प्रूव करना है तो ऐसे भी माँ बाप होते हैं मतलब मैं इसलिए अपने आपको ब्लेसिंग कभी कभी तो सीरियसली मैंने पहले भी आपके शो में बताया था कि मैं कभी कभी थक कर आती थी रात में शादी सीक्वेंस से मैं घर जा रही हूँ तो मैं ऐसी सो जाया करती थी और अब्बू मेरे शूज़ उतार रहे होते थे अच्छा निम्रा मैं तुम्हें इसके मैं जो यंग लड़के लड़कियाँ अगर देख रहे हैं तो मैं एक बात कहना चाहूँगी देखो हर बच्चे को लगता है कि हाँ भाई वो तो इसी चीज़ के लिए पैदा हुआ है ज़्यादातर सबको इंडिया में तो सबको ही आने का शौक है टीवी पे आई डोंट नो पाकिस्तान में भी होगा किसको मशहूर होने का शौक नहीं होता लेकिन हर किसी में वो टैलेंट नहीं होता हर किसी को स्क्रीन एक्सेप्ट नहीं करता ठीक है ना कुछ चेहरे और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बॉर्न एक्टर होते हैं हमारे तो कोई अकेडमी ऐसे चीती है नहीं नापा के अलावा तो माँ बाप इसलिए भी कहते हैं कि अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहा है पीछे जाके बहुत सारे लोगों की यही सोच है 80% लोग यही सोचते हैं पेरेंट्स के हमारे फ्यूचर नहीं है ना मीडिया आप बिल्कुल सही कह रही हूँ लेकिन वही वाली चीज़ कि अगर मैं उस यंग लड़के को मुझसे काफ़ी छोटा है मैं उसको यंग लड़के को देखूँ तो सीरियसली निदा वो मुझसे ये नहीं कह रहा था कि निमरा कहते प्लीज़ यार निमरा कुछ करवा निमरा प्लीज़ कुछ किसी से बात करो निमरा देखो मुझे ना मेरे पास सिर्फ ये कुछ दिन बचे मेरे पास 25 दिन बचे अबू को मतलब मुझे ना वो चढ़ा रही होती कि यार ठीक है
ये बोलते हैं कि देखो बेटा अगर तुम कुछ कर सके तो ठीक है, अम्मा अब्बा के सामने तो बंदा खुला होता है ना, उनसे तो नहीं आप डर रहे हो। मुझे लगता है उसको सफोकेशन होती है, मतलब वो किससे बात कर रहे हैं, वो कहे कि मैं नहीं बनवा पा रहा या मैं इतना जल्दी नहीं कर पा रहा। और मतलब हम सब भी है, हम टाइम लगता है हमारे ये प्रॉब्लम भी है आजकल जो हम लोगों में नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों में मैंने देखी है कि वो लोग अपने पेरेंट्स से बात नहीं करते, डिस्कस नहीं करते ना। जैसे अगर मेरा कोई डाउन टाइम चल रहा होता है तो मैं अपनी मदर को बोलती हूँ भाई मेरा ये 3 महीने बहुत बुरे होते हैं, इसमें ये है, इसमें वो है, ये नहीं, और उनको पता भी चल जाता है, तो वो लोग बड़े अच्छे तरीके से उसको टैकल कर रहे होते हैं। फैमिली होती सपोर्ट करने के लिए ना कि अच्छा आप तुम्हारा बुरा टाइम चल रहा है, अब फर्ज करें मेरी रेटिंग बुरी आ रही होती, मेरा मूड ऑफ होता है ना, अगर मेरी रेटिंग कभी कम आए तो मेरा मियाँ पकड़ लेता है, हाँ अब अपनी रेटिंग कम आ रही है तो यहाँ चिड़चिड़ाहट में मैं कहती हूँ अरे यार ये क्या, अम्मी का अलग तरीका होता है, अब्बू का अलग तरीका होता है करने का। अच्छा अम्मा अब्बा का ही होता है, वो लोग बताते नहीं है कि हमें पता है, लेकिन वो लोग इस तरीके से चीजें कर रहे होते हैं हमारे साथ कि हमारा माइंड डाइवर्ट रहे, चलो कुछ बना के खिला दो। मरियम जब तुम आई स्क्रीन पे तो फिर अम्मी अब्बू बहन भाई इनका क्या रिएक्शन था, मेरे क्रिटिसाइज करते थे या क्या? नहीं मेरी पूरी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड, मेरे पेरेंट्स खास तौर पे बहुत ज्यादा सपोर्टिव हैं। अच्छा तो दे वर लाइक यू नो उन्होंने एक्चुअली बोला है जो भी करना है चारों बच्चों को इट्स योर कॉल डू व्हाटएवर यू वांट। तो मैं एक्टिंग देखी तो अम्मी ने क्या बोला है? She was happy. She was very happy. And उनको खुशी होती है, लेकिन वो ज़्यादा उस चीज़ पे खुश होती हैं जब मैं कोई सोशल चीज़ करती हूँ, जब मैं एक्टिविज्म से रिलेटेड कुछ ज़्यादा करती हूँ, तो उससे उनको ज़्यादा खुशी होती है। But of course she likes it. तुम्हारा भी इरादा है कभी अगर तुम्हें ऑफर होगी बहनों साथ दो? हो चुकी है by the way, बहुत दफा हो चुकी है जिसको पता नहीं है, बिकॉज मैंने देखा है इतनी ज़्यादा मेहनत करती है, मतलब मैं सेट्स पे गई हूँ इसके साथ एक आधी दफा और ये मैं नहीं कर सकती। कम काम कर लो, ज्यादा नहीं करो। नहीं बेटा तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं हो रही है या सर्दी हो रही है, आपने काम करना है तो वो मुझसे नहीं होगी। अगर तुम जॉब करोगी तब भी, कोई भी जॉब करोगी, गर्मी और सर्दी काम तो करना है। एसी में बैठ के काम करना है। तुम्हें शौक तो नहीं है कि बस मेरी शादी हो, मैं अच्छे अच्छे कपड़े पहनूं और तैयार हो बस? नहीं काम करा लो, लेकिन ये वाला काम नहीं, मैंने नहीं करना। मैं ये क्या है ये बार बार एक ही, जब ये पहले दफ़ा सेट पर आई थी तो इसकी पहली बात ये थी कि मुझे माँ बोलती है, शी वाज लाइक माँ ये एक ही सीन तुम लोग बार बार क्यों किए जा रहे हो, इतनी गर्मी हो रही है तुम लोग क्या कर रहे हो? हमें तो ये नहीं याद आता कि पसीना यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है ये तो कह रहे हैं, लेकिन तुम लोग मतलब लाइक आजकल इतने अच्छे के अमराज आ गए हैं, और आजकल सबसे अच्छी बात ये काम मेकअप चल गया है, तो स्क्रीन पे इतनी खूबसूरत कोई लड़कियां सब आ रही होती, हमारे जरा इतनी मोटी मोटी आईब्रो, यहाँ तक काजल लगाया हुआ है, कैमरे भी ऐसे होते थे इतने काले, अजीब से कॉन्टोरिंग सब नजर आती थी। हाँ ये बुंदे कंटिन्यूटी है मेरे बोलते रहे। हमारे जमाने में मुझे याद है एक जमाने में सर पे दुपट्टा ओढ़ने की पॉलिसी आ गई थी ना, हाँ सर पे दुपट्टा ओढ़ के सारी एक्टिंग करनी, रोमांटिक रोल कर रहे हैं, रोमांस कर रहे हैं, सर पे दुपट्टा ओढ़ सो के उठ रहे सर पे दुपट्टा सेट हुआ है, गिटार आपने किया तो हसीब भाई फिर बोलते थे अच्छा मरियम दुपट्टा यहाँ पे गिर गया था, लाइक हसीब भाई अभी मैं बीच सीन पे कैसे दुपट्टा वापस लगा? आपने इनसे नहीं पूछा इनको क्या शौक है? अच्छा आपको, आप बड़ी होके एक्टिंग करेंगी इसी तरह, इनकी तरह हीरोइनें आएंगी अब ड्रामो में या नहीं? बेबू की तरह, बेबू की तरह आओगी? तुम तो कहती है, कहती है आप डायरी आप फाड़ दे। एक्टर है ना, एक्टर एक्टिंग कर रही है स्क्रीन पे आके, झूठ कह रही है ये सीधा मुझे निदा, ये कहती है कि वो पेपर ही फाड़ दीजिए जिसपे आपने नाम लिखवा के मुझे एजेंसी में दिया, वो पेपर ही बच्ची को मेहनत करनी पड़ती है उसको भी बार बार, बच्चे तो चेक जाते हैं ना एक ही चीज़ बार बार। में मोस्टली अर्ली कॉल टाइम होता है लाइक सुबह 4 AM, तो अब सुबह सुबह उठा के जाना है, इसने उठ के जाना, तो वो फिर रात तक 11 12 बजे
گھر آتی ہے تو ابو بےچارے انگلیاں دبا رہے ہوتے ہیں, امی انگلیاں دبا رہے ہوتے ہیں. اچھا تم لوگوں میں سے, تم لوگ جیسے تم نے کسی تھکی ہاری آئی ہو, تم نے کس سے خدمت کروائی ہے گھر میں؟ میری اماں کرتی ہیں. اماں کرتی ہیں؟ اماں کرتی ہیں. ہاں تم نے کروائی ہے کسی سے خدمت؟ میں تو صرف فون, کیونکہ میں یہاں پر رہتی ہوں تو مجھے ہوم کوکڈ فوڈ نہیں ملتا بہت زیادہ, تو میں اماں کو وہ پہلے ان کو گھر میں ہوتا ہے کہ او اچھا کھا رہی ہے اب بریانی بنے گی میری ماں کے. تمہارے ساتھ کیا سین ہے, تم بھی دیسی کھانے کی شوقین ہو؟ بہت زیادہ. تم کس سے خدمت کرواتی ہو؟ ایسے تو نہیں شوٹ سے ہوں, جب کہیں سے ٹریول کر کر آتی ہے تو پھر امی تہاری جو آلو والے چاول ہوتے ہیں وہ امی بس بنا کے رکھتی ہیں. اور تمہاری بھی تم نے خدمتیں کروائی ہیں اپنے اماں ابا سے کبھی؟ ایکسیڈنٹ کے وقت ہی کروائی تھی زیادہ, لیکن اس کے بعد تو امی ابو کو پتہ بھی نہیں ہوتا میں کب آتی ہوں رات کو, بےچارے سو رہے ہوتے ہیں ان کے اسکول کی وجہ سے, تو وہ میں آرام سے بیبی اسٹیپ. تم نے کبھی صبح بختاور کو اسکول تیار کر کے بھیجا ہے؟ نہیں. میں تو آج بھی کہتی ہوں امی میں نے میک اپ کرنا ہے اس کو تیار کرا ہے, میں نے میک اپ کرنا جا کے, تو وہ امی میں اس کو اچھا. اب اگر میں تم لوگوں سے پوچھوں تم لوگوں کی لڑائیوں کی نوعیت کہاں تک, ماشاء اللہ سے دونوں بہن بھائی ریسلنگ, میں تو اس کو بہت ابھی ریسنٹلی ہم لوگ کچن میں کھڑے ہوئے تھے, کچن میں کھڑے اماں, ابھی ریسنٹلی بات ہے, کچن میں کھڑے ہوئے تھے اور اماں ہم کافی بنا رہی ہیں میرے لیے, اس کے لیے بھی کچھ بن رہا ہے, اور ایک دم سے اس نے مجھے کچھ بولا اور مجھ کو کچھ سمجھ نہیں آیا. میں نے کہا اچھا تم میرے سامنے بھرا مت مارو. میں نے ڈراز کھولی, سیزر نکالی, میں نے اس کی ٹی شرٹ کے دو چار پیس فرنٹ سے کر دی, کہہ رہا ہے اماں اب آپ یہ دیکھ لیں اب میں کیا کروں آپ بتائیں کیا کروں میں, کر کے چلی گئی. اور اس سے کچھ نہیں بولا نا, کہہ رہا ہے اب آپ دیکھ لیں, آپ کہتی ہیں نا اس کو کچھ بولے نہیں, میں کیا کروں اس کا, دیکھے سے میری نئی ٹی شرٹ کاٹ دی یار. اور تم نے نہیں کیا کچھ؟ نہیں. میں نے کہا میں نے تمہارے ڈیزائن بنا دیا نا, آج کل فیشن ہے نا ریپ کا, تو میں نے بنا دیا. اور نمرا تمہارے غصے کا کیا کہاں پیمانہ؟ میری ویسے لڑائی کی نوعیت کیا؟ لڑائی تو ہم لوگ کی نہیں, میری اس سے تو تم نہیں لڑتی ہوگی. سچائی سے کیا لڑوں, اپنا وقت یاد آتا ہے پھر, میں بھی تو چھوٹی ہوا کرتی تھی. تو نہیں میری جو مجھ سے 1.5 سال بڑی بہن ہے اس سے ماشاء اللہ سے بہت ہی کچھ زیادہ پھٹے ہوتے ہیں. بچپن میں اسکول سے بڑی کمپلین آئی نا میری, دونوں بہنوں کی آئی ساتھ, اور امی کافی ابو اور بڑی بہن عمرہ کرنے گئے ہوئے تھے, تو میں اور امی اور جو مجھ سے 1.5 سال بڑی بہن ہے ہم لوگ تینوں گھر پر تھے, تو ماشاء اللہ سے وہ امی آئی غصے سے نا, میں نا ہم لوگ نا ماں باپ بھی گل لگا کر ڈانس کر رہے ہیں ڈرائنگ روم میں, ایک دم سے امی کا موڈ دیکھا, فوراً میوزک بند اور یوں کر کے نا کارٹون نیٹورک لگا کے بیٹھ گئے ہم لوگ نا, کہ بڑے اچھے بچے نا مجھ سے کارٹون نیٹورک. امی نے کہا چلو دونوں چلو اندر کمرے میں, میں نے کہا میں ایک دم دونوں نے دیکھا چلو گئے ہم لوگ. پھر تو نا آئی ایم اے باربی گرل جو پراپر طریقے سے کمرے کے اندر جا کے ہوا اس کو بڑی بہن کو نا پٹا شروع ہوئی نا, لیکن جب مجھے پٹنے پہ آئی نا ہم لوگ جتنا لڑ لیں دونوں بہنیں, امی پلیز اس کو نہ مارے مجھے مار لیں اس کے حصے کا, مجھے مار لیں اس کو نہ مارے, مطلب مجھے اس کو بہنوں میں پھر ہی ہوتا, لیکن بہن بھائی کی لڑائی ہو نہ ایسا ہو نہیں سکتا. تم لوگوں کے کس طرح, تمہاری تو دو بھائی ہیں اور دو بہنیں ہو, تم لوگوں کی لڑائی کی کیا نوعیت ہوتی؟ نہیں ہماری اتنی زیادہ لڑائیاں نہیں ہوتی کیونکہ یہ چپ رہنے والی ہے. اچھا. اور میرا بھائی بھی چپ رہنے والا ہے, تو ان کی جب باہر لڑائیاں ہوتی تھیں تو وہ میں جا کے لڑتی تھی, میں کچھ بھی بول دوں میرے بہن بھائی کو بولا ایسے آ گیا, تو وہ لڑائیاں ہوتی. بٹ اگر ہماری کبھی آرگیومنٹ ہو بھی جاتی ہے تو وہ ہوتا ہے کہ اچھا کوئی کچھ کھانے کو لے آئے اور کوئی اور کچھ کھانے کو لے آئے, تو ویسے کور اپ ہو جاتا ہے. بھائی بھی تمہیں تنگ نہیں کرتے؟ نہیں نہیں نہیں, تمہاری نقل نہیں اتارتے جو تم ایکٹنگ کرتے, جب رونے وونے کی ایکٹنگ ہوتی ہے تمہاری تو زیادہ ہی ایکٹنگ ہوتی ہے ایسے کر کے. نہیں میں دیکھتی نہیں ہوں ڈرامے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے, میں رات کو دیکھتی ہوں اکیلے بیٹھ کے. اچھا میں بھائی ڈرامے کے دوران ہی ریکارڈ لگانا شروع کر دیتے ہیں, وہ برا مجھے نہ سین آئی ایم سو بلیس میرے بھائی ایسے نہیں کرتے. نہیں وہ میرا ایکچولی جو مجھ سے چھوٹا والا بھائی ہے ہی از ویری فونڈ آف اٹ. اچھا اچھا. یہ وہ خود لنکس بھیج رہا ہوتا ہے اور گروپس پہ. اچھا. اور جو چھوٹا والا ہے وہ ہی 17-18 تو وہ ڈرتا ہے تھوڑا سا مجھ سے. اچھا تھوڑا سا ڈرتا ہے. آپ بتاؤ نمرا لڑائی میں کیا ہو جاتی ہے؟ چڑیل بن جاتی ہے, جن بن جاتی ہے, غصہ ہو جاتی ہے, کیا کیا کرتی ہے, کیا کیا چیز توڑ دیتی ہے؟ نمرا آنکھیں نہیں دکھا, کچھ نہیں توڑتی,
ये दांत निमरा ने तोड़े, खुद टूटे। एक ब्रेक जी, एक ब्रेक के बाद आइए इसी तरह गप्पे जारी रखेंगे। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अगर आप जीतना चाहते हैं जवानी फिर नहीं आनी 2 के टिकट्स मुफ्त में, तो आपको $1 जमा कराना होगा। जितने ज़्यादा डॉलर जमा कराएंगे, आपको पता है हर एक मिनट में हम टिकट्स गिफ्ट कर रहे हैं। साथ साथ आपको अगर टिकट्स नहीं चाहिए तो आपको जीतो पाकिस्तान में बहुत सारे ढेर सारे इनाम भी मिल सकते हैं। तो जितने ज़्यादा डॉलर्स जमा कराएंगे उतने ज़्यादा जीतने के मौके मिलेंगे। और डॉलर आजकल चल रहा है कोई 132-128, पता नहीं। कम हो गया। आपने सिर्फ 100 रुपये जमा कराने, कम हो गया, फिर बढ़ गया बहन। हाँ, अभी मैंने पिछले दिनों फ़ोन किया था, कह रहा फिर बढ़ गया, पता नहीं क्या हो रहा है। बहरहाल फ्लक्चुएट कर रही है मार्केट बहुत। हमारे साथ, मैं आपको फिर एक दफ़ा बताती चलूँ, हमारे साथ यहाँ बैठी हैं, तुम्हारे ड्रामे का नाम है मुझे चांद चाहिए। कोई चांद, कोई चांद, मुझे चांद चाहिए, मुझे चांद चाहिए, मुझे भी चांद चाहिए, मुझे भी चांद, थोड़ा सा मुझे भी चांद रख की राबेल, डॉक्टर राबेल की बहन जो निशा अभी 3 एपिसोड में दिखा चुके हैं। हाँ, बता चुके हैं, अब आप कंफ्यूजन क्लियर हो गई है, क्लियर हो गई है, तो अब आप बता सकती हैं। हाँ, अब मैं बता सकती हूँ। अरीबा हबीब आज अपने भाई के साथ मौजूद हैं और इनके भाई का नाम है शहरियार। और निमरा को तो आप जानते हैं, बहुत दफ़ा हमारे शो पर भी आ चुकी हैं और ड्रामों में भी धड़ाधड़। ज़्यादा साल हो गए तुम्हें, कितने साल हो गए? चार साल हो गए ना। निमरा और बख्तावर, क्योंकि आप इन्हें बहुत सारे कमर्शियल में देखे। आज स्कूल की छुट्टी करके आज हमारे पास है, टीचर्स को भी मैंने सेकंड डे था आज स्कूल, आज सेकंड डे था। और हमारे साथ यहाँ यकीन का सफ़र, दियार दिल की मरियम और महम, मरियम नफीस और महम हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे इतनी खुशी होती है जब मैं नई लॉट, जो जिनका मैंने इंटरव्यू नहीं किया होता ज़्यादातर ना, उनका करती हूँ, नई बच्चियों का इंटरव्यू या नए बच्चों का इंटरव्यू करती हूँ, तो मुझे नई नई चीज़ें जानने का मौका मिलता है। मगर मैं इससे जब भी मिलती हूँ ये हमेशा नई बात बता के जाती हूँ। ये क्या बात हुई, ये क्या बात। अच्छा, अभी एक चीज़ होती है जो लड़कियाँ बहुत करती हैं, खर्चा। कितना खर्चा अरीबा जो है वो कितनी कफायत शार है और कितनी फजूल खर्चा है, ये तुम बताओगे। बहुत ज़्यादा फजूल खर्च करती है, मतलब जैसे शॉपिंग पे जाती है ना, हाँ। जो चीज़ को नई भी लेनी होती है ये वो भी लेकर, वो भी ले लेती है, और फिर बाद में आके बोलती है यार मुझे समझ नहीं आ रहा, चलो किसी को दे देते। अच्छा, कोई पैसे जमा नहीं करती, जो कमाती सब उड़ा देती है। कभी कभी कर भी लेती है, लेकिन फिर जब शॉपिंग पे जाती है तो फिर कभी किसी साथ शॉपिंग पे गए हो? बहुत बार। ख्वार करती है, इस तरह से बातें कर रहे हैं। जब भी मैं बाहर जाती हूँ ना कहीं घूमने, अपने पॉकेट मनी के पैसे जमा करके, इसकी सबसे बड़ी लिस्ट आती है, ये वाले शूज, ये वाले ग्लासेस, शूज। मैं कभी कभार इसको टालती हूँ ना, मिल नहीं रहा है, उसको चाहिए क्या? नहीं, वो तुम्हें नहीं पता, तुम्हें लेना भी है कि नहीं लेना। नहीं, उसके बाद कभी कभार मैं इसको टालती हूँ ना, मुझे मिल नहीं रहा शेरी, मुझे नहीं समझ आ रहा, तो क्या कहता है, तुम शॉप पे जाओ, मेरी बात कराओ। ये तो है। तो वैसे बाकी तुम अपने पैसे किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा खर्च करती हो? मुझे शूज़ का बहुत शौक है और कपड़ों का भी है, लेकिन शूज़ का ज़्यादा है। हाँ। तो शूज़ पे बहुत। हील्स या जॉगर्स या कुछ इस तरह? सब मिक्स। एक्सरसाइज करती हो? अच्छा, और निमरा तुम अपने पैसे सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे खर्च करती हो? गैजेट्स पे। गैजेट्स? अच्छा, गैजेट फ्री। और वो फजूल खर्च हो या किफ़ायत? अच्छा, हूँ फजूल खर्च, लेकिन मुझे चीज पसंद इसलिए वो फजूल नहीं है। तो जमा नहीं करती जी? जमा नहीं करती? नहीं, उससे सेविंग्स नहीं होती। अब वो बेटा चेक तो मैं ट्रैवल ना एंड टाइम पे, बिल्कुल फ्लाइट के, जब मैं भाग रही होती हूँ एयरपोर्ट, बेटा ये चेक तो साइन कर दो। मैंने कहा भाई किस लिए? अरे बाद में बताऊंगा। तो वो पैसे निकलवा लेते ना, क्योंकि वो पता है ट्रैवल करने जा रही है, तो वो इतना बड़ा अमाउंट निकाल लेते हैं अकाउंट से, और फिर जैसे ही वापस आती फिर वापस चेक डाल देते हैं। अम्मा बाबा कैसे संभाल? और तुम बताओ बल्कि मरियम की सेंसिबल है इस मामले में। हाँ, वेरी सेंसिबल। अकेला ये बच्ची को नहीं बहुत सोच समझ के इतनी रहती है, मतलब बहुत सेंसिबिलिटी वैसे समझदार है, पता है अच्छी अच्छी बातें करते ना आप, तो बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते भी आते हैं आपको, पता है बहुत सारी लड़कियों के हमारे शो के बड़े अच्छे रिश्ते हैं।
तो सीरियसली मैं बता रही हूँ आपको, लोग जो खासतौर पर अमेरिका और यूके वगैरह में खवातीन होती है जो पाकिस्तानी लड़कियों से शादी करना चाहती है, वो खासतौर पर मेरा शो लगा के चलो लड़कियाँ ढूंढे यूके वाले इतने रिश्ते क्यों भेजते हैं, आते हैं ना। हाँ, मेरी खाला अम्मा को हमेशा फोन करके ना एक बस शोशा छोड़ देती है। हाँ। फिर मेरी अम्मा मुझे दो चार दिन तक अरीबा मुझे अच्छा एक दिन मुझे कहती है अगर कोई पसंद है तो बता दो, मैंने कहा भाई कोई है ही नहीं अभी क्या करूँ काम में हूँ, कहती है हाँ, कर लो तुम, पता है अब तुम्हारी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर ना। मैं समझ गई, मैंने कहा खाला का फोन आया था ना कुछ बता दिया मुझे नहीं करना। अरे तुम वैसे ज्यादा पैसे किस चीज पे खर्च करती हो? खाने पे, जूतों पे और ज्वेलरी पे, ज्वेलरी पे हाँ, कपड़ों पे नहीं। दूसरों लाइक माय मुझे गिफ्ट लेने का बहुत शौक है, गिफ्ट लेने का शौक, तो आई लव स्पेंडिंग इट ऑन माय फैमिली माय फ्रेंड्स। अच्छा अच्छा, मैंने सुना तुम योगा बहुत करती हो। हाँ बहुत नहीं बट करती हूँ जब टाइम मिलता है। तुम तो इतनी पतली दुबली सी हो, ऐसे जब मैं मोटी हुई थी तो मुझे पता चला ओके योगा करना चाहिए। पतले होके तो इंसान कुछ सोचता नहीं आता है। मैं स्ट्रेंथ के लिए करती हूँ ज्यादा योगा और सर्दियों में हाइकिंग, और इस्लामाबाद में हमारे पास है एलिमेंट मरगला पे जाके हम कर सकते हैं, तो वो वाओ दैट इज लवली। अरे जबरदस्त। अच्छा जैसे ये सर्दियों में हाइकिंग करती है, तुम और क्या एक्टिंग के अलावा और तुम्हारे क्या शौक है एक्टिविटी का? मुझे तो सर्दियों में खाली सर्दियों में नहीं पूरी जिंदगी नहीं, मुझको ट्रैवल का शौक है लेकिन इतना नहीं है, तो मुझे ज्यादातर टाइम फैमिली के साथ मजा आता है रहने में और घर पे। तो जब सब आठ बहन भाई जमा कब होते हैं, कौन से ऐसा त्यौहार? अब तो नहीं होते, आई थिंक कब पता नहीं कब हुए थे लास्ट टाइम, याद भी नहीं है। कभी कोई आता है कभी कोई आता है, एक साथ ही जमा कितना मिस करता है ना बंदा वो दिन। मैं तो नहीं करती, उनके बच्चे इतना तंग करते आके चीजें तोड़ देते हैं। आई होप अरीबा के बहन भाई ना देखिए मार मार नहीं मैं रोक नहीं सकी। नो नो, आपने कहा था मैं सवाल दूं थी, इनफैक्ट मैं अपनी सिस्टर्स को एक तो मेरे रूम का दरवाजा फिर लॉक नहीं होता क्योंकि जब ये बच्चे आते हैं ना ढा ढा नॉक कर दो कुछ करो बच्चों, और पूरा रात को तीन तीन बजे तक में शोर हो रहा है घर में। मजा आता है मुझे एक दिन दो, अब कभी कभार मैं काम से थक के आ रही हूँ दिल नहीं चाहता कुछ करने का, उस पर भी फिर इन लोगों को स्टोरी सुननी है, और उसके बाद नेक्स्ट डे मुंह बनाता है अच्छा अब तुम बिजी हो गई हो, टाइम नहीं, हमारा क्या फायदा इतनी दूर से टिकट करा के आने का। ये तो बहुत मसला है, ये बहुत सुनने को मिलता है दोस्तों से, क्योंकि हमारी सोशल लाइफ तो बिल्कुल ही नेक्स्ट टू नथिंग होती है, तो आपकी फैमिली समटाइम्स, और क्योंकि अम्मा हमारी काम करती है तो उनकी भी एक सोशल लाइफ है, अच्छा डैड की एक अलग सोशल लाइफ है, हमारी तो इस चीज लाइक ये क्या हो रहा है, मतलब अब देखने को ही नहीं मिलता क्या सेलिब्रिटी हो गई हो क्या हो रहा है, नहीं नहीं थक गई हूँ बस काम करके आई हूँ आराम करने दे। अच्छा तो तुमने कभी बेबी सिट किया है अपने बहन भाइयों को या अपनी बहनों के बच्चों को? पहले जिंदगी में पहली बार जब ट्रैवल किया मैंने लंदन, तो आई वाज सो एक्साइटेड, स्टेटस डाल रही हूँ फेसबुक पे इंस्टाग्राम हर जगह ना ट्रैवलिंग टू लंदन ट्रैवलिंग टू लंदन लंदन, मैंने कहा बस अभी तो जर्नी स्टार्ट हुई है, एवरी डे आई एम गोना पुट माय न्यू पिक्चर्स सी रोज बच्चे से बाहर, मैंने कहा आज तो कहीं ले जा तस्वीर खींचनी है मुझे लाइक पिक्चर्स लेनी है मुझे। हाँ हाँ निम्रा, उनको तो ऐसा कि कोई इजी एक्सेस मिल गया कि ना बस बहन आई है दोनों मियाँ बीवी निकल जाते थे, और मैं एक बच्चे की फीडर डाल रही हूँ एक कहा मुझे बेबू ये देख ले मैं एक टीवी भी चल लगा के देख रही हूँ, मुझे बात करने जाने में कबूटे बिठा कर लिटरली मैंने एक वक्त ऐसा किया, मैंने कहा नहीं अगली बार लंदन नहीं आया कुछ लिटरली, लेकिन फिर ग्रेजुअली फिर मैं 5 साल का गैप आया उसके बाद मेरे काफ़ी लाइक ना ज़्यादा ज़्यादा शुरू की जब वो खुद बड़े हो गए लाइक माशाल्लाह से। हाँ अब वो मुझे मतलब उनके साथ ट्रैवल कर सकती हूँ अकेले, लाइक हम लोग निकल जाते सारी मेरी भांजी और हम लोग, पहला तो मतलब बेबी सेटिंग तो मेरा इस तरह था, इसको मैंने बहुत संभाला है छोटी को, तो लाइक बेबी सेटिंग में मतलब मुझे बच्चों की चीखों से कोफ्त होती है कभी कभी बहुत ज़्यादा, लेकिन मुझे होता है कि बस स्पेस दो मुझे, तो लेकिन
फिर मुझे जब इनकी याद भी बहुत आती है फिर हाँ, तो फिर मैं रिजिस्ट नहीं कर पाती हाँ। तभी तो मियां बीवी दोनों निकल जाते थे तुम्हें जो ट्रस्ट करके आई लव किड्स ऑल्दो आई लव किड्स सो आई कैन हैंडल अच्छा तुमने तुम लोगों ने कभी किसी की बच्चे बीवी से छोटा भाई छोटा वाला ही वो हमारे मुझसे 9 साल का गैप है उसका इससे 7 साल का है तो वो बहुत छोटा था और अम्मा क्योंकि हमेशा से काम करती है तो वो हम ही उसको संभालते थे अरीबा तुम लोगों को संभाला होगा तुम्हारे बड़े बहन भाई हाँ उन लोगों ने हमें संभाला लेकिन अभी मैं अपनी सिस्टर का जो बेटा है फास इनफैक्ट वो टीवी अभी देख भी रहा है अच्छा आज वो सुबह जल्दी उठा क्योंकि अम्मा ने रात को बता दिया था उसको एक्साइटेड है 3 साल का है बहुत एक्साइटेड के ना अरबा काला और शहरी मामू आ रहे हैं टीवी अच्छा ओहो तो वो एक्साइटेड है तो वो उसके साथ मेरी बहुत मतलब वो यही कराची में रहती अच्छा तो वो बाकी सारे भाई बहन बाहर लास्ट टाइम वो आई थी तो मैं उनको बोल रही हूँ वीकेंड पे दो दिन होता है वीकेंड पे आप 4 दिन हो गए अभी जा नहीं रही थी अरीबा अम्मा की तबीयत खराब है अच्छा ये वो वाला एलिमेंट है सॉरी आई एम कटिंग यू ऑफ जो जब घर में बहुत ज्यादा मेहमान आ जाते हैं ना और आपको कम से कम घबराहट है कि बस जाए पीजेस में वापस आना है प्लीज जाए बिल्कुल नहीं पसंद आपको पता है मुझे बता देती हूँ फिर आंटी दूसरा भांड नहीं ये तो मैं हर शो पे और मेहमान के मुंह पे मेरे मामू वगैरह सब आए हुए थे घर पे हमारे फैमिली दावत होती है ना ईद पे सब आते हैं ननिहाल और दूसरे दिन ददियाल तो सब आए हुए थे तो मैंने उनके मुंह पे बोला सबको अम्मा किचन में गई मैंने कहा मामू आप लोग क्यों आ जाते हैं जब आप लोग आके चले जाते हैं ना तो अम्मा हम पे बहुत गुस्सा करती हैं तो वो कह रहे हैं अच्छा गुस्सा करती है तुम पे मैं भी बात करता हूँ मैंने कहा नहीं बात नहीं करें उस डबल गुस्सा करेंगी हाँ। जब वो लोग चले गए उन्होंने अम्मा को बता दिया आज तक वो ये बात बोलते हैं कहते हैं अरीबा ने ऐसे बोला था मुझे कि आप लोग जब आते हैं तो हमको डांट पड़ती है तो डांट क्यों पड़ती थी ज्यादा काम करना पड़ता था नहीं मुझको ब्लेम देना है ना उनको अब मेरी आदत है कि मैं अपना ब्लेम किसी पर डालूंगी जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे रूम में कोई चीज अगर नहीं हो रही तो मेट ने की है हाँ. या फला ने की है या शहरी ने ऐसा अम्मा ने करा दिया ब्लेम डालना है किसी के ऊपर हाँ. शहरी रोती है तो चुप हो जाती है फौरन या रोती रहती है रोती रहती रोती तो बहुत कम है ये रोती कम है हंसती रहती है अच्छा मेरा सीक्रेट है मैं रोती बहुत कम मैं बहुत रोती हूँ बट मैं बहुत छुप के रोती हूँ मैं सामने नहीं रोती क्योंकि इसका फेस भी जो है ना वो स्माइली फेस है किसी की रोती की शक्ल होती है इसको इतना रुलाया ना ड्रामो में वो बेचारी की अच्छी खासी रोती हंसती है शक्ल इसकी शक्ल ऐसी बना दी कि तारे साइज़ में रो रो कैरेक्टर ऐसे करके रो रो के जालिम मियां मेरे तो मुझे उस बंदे से नफरत हो गई जरा अच्छा खासा मुझे तब सारा था उसपे जिसकी कोई आदमी अरे शक क्यों कर रहे हो भाई और हमें हंसी आ रही होती थी जब हम कट बोल देते थे शहजाद भी हम कहते थे हम क्या कर रहे हैं क्यों सीरियसली मैं सोचती हूँ चाहे मेरे शो पे आएगा तो मैं उससे फेस कैसे करूँगी उससे इतनी नफरत की है इनका एक कमर्शियल था तो एहसन खान के साथ एहसन खान के फादर बने हुए थे तो ये बैठी हुई बहुत गर्मी है बहुत गर्मी ये कह रही हाँ हाँ बहुत गर्मी है तो अब वो डायरेक्टर भी ना मैं नाम नहीं ले सकती लेकिन वो बहुत स्ट्रिक्ट है ना मतलब उनको नहीं पसंद कि फैमिली मेम्बर कोई पास हो दूर सब मैं काम करवाऊंगी बच्ची से अच्छा कहती है वेयर इज माई स्क्रिप्ट ये कहती है हाँ. तो कहती है अच्छा अच्छा स्क्रिप्ट लेकर आए जरा इसके लिए ना तो पढ़ना कख नहीं आता सामने रखा ओके आई एम रेडी अच्छा बैठ गई है तो ना अब एहसन खान ना हंस रहा है ना मतलब मुझे देख देख के ना कि निम्रा ये क्या है फिर कहती है ये सीन नहीं चेंज करवा सकते हम ये एक्चुअली मुझे पसंद नहीं आ रही दुपट्टे वाला सीन नहीं नहीं हटा दें प्लीज तो डॉक्टर ने कहा कि डॉक्टर कहाँ से आ गए डॉक्टर ने कहा कि ना अच्छा चेंज ही कर देते हम ना नहीं 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 आप शायद सही कह रही कर लेते हैं हम ये वाला ना मतलब प्रॉपर कहती शी इज अ प्रॉपर डीवा मैन ये मैंने बहुत किया आपको पता है मैं आपको बता भी रही थी कि ड्रामे में हाँ जब मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लगता था ना मैं मतलब किसी सीन में आप फंस जाते हैं कोई कोई सीन होता है जो आप जिसमें आप बहुत बुरे फंस जाते हैं और मेरे साथ ऐसा बहुत होता था इस ड्रामे में पहला मेरा तो मैं अपने डायरेक्टर को बताया कहती थी खामोशी जाके ऐसा करेंगे सीन काट दें कहती थी अरीबा तो इस ट्राई का बेटा मैं बोलती थी अच्छा मेरी बैग दिखा दे इमरान के डायलॉग्स ले ले पहले मुझे कर ले कहती थी नहीं नहीं ऐसा हो नहीं सकता तुम कर लोगे अभी थोड़ा ब्रेक ले लो मेरे रोने वाले सीन्स नहीं पसंद मैं बहुत जब रोने वाले फूट फूट के रोती हूँ तो क्या टीवी के पास जाके एसडी के पास खड़ी हो जाएगी आए जरा घर वापस
पूछती हूँ मैं क्यों इतना रोना रसिंग कराती हैं, क्यों मतलब ना मुझे नहीं देख सकती, मैं बेबो को नहीं देख सकती रोते हुए, इसके अंदर खुद एक्टिंग शुरू हो जाती है, मतलब मैं बेबो को रोते हुए नहीं देख सकती। चलो तुम अब ब्रेक लो, प्रैक्टिस करो होस्टिंग की, क्यों दांत सा नजर आ रहे हैं तुम्हारे यहाँ। अभी ना मैं बता रही थी इनको पीछे के ना ये तीन कमर्शियल ना मतलब उनको बख्तावर चाहिए, लेकिन जैसे इसकी रिसेंट पिक्चर मंगवा रहे थे तो रिजेक्ट 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 दांत की वजह से, जब दांत बच्ची कहेंगे फिर हमने तंग आके ना डेंटे से दांत ही बनवा लिया ना। हाँ अब उसका फ्रेम है तो जब बुढ़ी अम्मा जाती है सीन से पहले यूं लगा के सीन करके तो वापस तक खोलो भेद ना खोलो। एक ब्रेक जी, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। बड़ी मजे मजे की बातें हो रही है। और अच्छा कभी कभार ऐसा होता है कि कोई गेस्ट होता है जो चुप रहता है, कोई गेस्ट होता है जो थोड़ा बोलता है। यहाँ माशाल्लाह तीनों जो हमारे तीनों सेलिब्रिटीज अपनी फैमिली के साथ आए वो सब बोलने वाले और सब मजे मजे की बातें कर रहे। तो एक फोरम बन गया। अम्मी ने कहा सही से बैठ के बात करना, सही से बोलना। तो कहती है ये जा रही है ना, मुझे बोलने की क्या जरूरत है, यही बोलेंगी वहाँ पर और एक्चुअली ऐसे ही है। बच्चे कभी कभी ऐसी बातें कर देते हैं कि आप का मुंह खुला रह जाता है। एक दफ़ा एक एक्ट्रेस है, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, नोमी की अफ्तारी पे ही मैंने अपने बेटे को उनसे मिला, मैंने कहा सलाम करो, मैं इनको सलाम नहीं करूँगा ये बहुत मोटी है। और मैं उनकी शक्ल देखी, मैंने कहा क्या करूँ, बच्चे ने बोल दिया, कह लिए कोई बात नहीं, उनका भी मुँह गायब हो गया, वो कह लिए कोई बात नहीं बच्चा, अल्लाह देखना नहीं मुझे। तो वो बच्चे कभी कभी आपको ऐसे कर देते कि आप क्या करें। दो तीन दफ़ा उसने बोला वो ये मोटी क्यों है, कि मोटी क्यों है, पता नहीं बच्चों में कभी दौरा चढ़ा होता है कोई सच बोलने करने का समझ नहीं आता। मोदी टीचर्स के साथ क्या करता होगा? ओए होए कुछ तुम बच्ची थी तुम्हें कुछ याद होगा इसका बचपना, तो ये कौन सी ऐसी हरकत करती थी जो पिटाई खाती थी? एक तो होता है ना आप मशहूर होता है बचपन में तुम्हारी नाक टपकती थी, होता है ना हर वक्त तुम्हारी नाक टपकती रहती थी, बहुत सारे बच्चे ऐसे। आज आप अगर ऐसी बात बुलवाएंगे ना तो वो शर्ट तो फाड़ दी थी पहले, सारी पैंट ही फाड़ देती थी। कैसा बोला तो मम्मी घर जा रही है यही पड़ी अभी फॉरेन कैमरा। बचपन में कैसी थी अरीबा? स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। स्ट्रेट फॉरवर्ड किसी तरह मुंह पे बोल देना, मुंह पे बोल दे वो तो अभी भी है। मामू को बोल दिया आप क्यों आते हैं, आपके आने के बाद हमें डांट पड़ती है। मैं हूँ इस तरह की, हाँ? मैं बोल देती हूँ सोचे समझे बगैर। हाँ। कभी कभी अब मुझे रियलाइज होता है कभी कभार कि नहीं अरीबा अब संभल जाओ, घर में छोटी हो बड़ी। कोई ऐसा याद है तुम्हें बहन के तुमने मारा हो बचपन में? एक तुमने हाँ? कोई एक बताओ याद है? जैसे एक तो ये मामू वाला, हाँ। ये तो बहुत फेमस क्योंकि वो मामू जब भी आते हैं वो ये जरूर रिकॉर्ड लगता है तुम्हारा। हाँ। रिकॉर्डिंग लगता है, मैं थक भी गई हूँ ना कि हर टाइम ये बात तो होनी है। अच्छा वो हाँ। मामू आ रहे हैं वो ये बात जरूर करेंगे, अच्छा ठीक है। हाँ। वो ये वाला सीन है। अब जैसे मेरी खाला ने बोला कि हमें अरीबा अच्छी लगती है, यू नो मेरी बड़ी खाला ने अम्मा को बोला, एंड फिर मैं हम लोग डिनर पर बैठे हुए थे टेबल पर साथ ही मेरे घर पर ही, और मैंने उनके मुँह पर बोल दिया, मेरी बात कर रही है मुझे नहीं करनी, मुझे नहीं पसंद, मैंने नहीं करना। अम्मा कह रही अरीबा नहीं हम कुछ और बात कर रहे हैं बेटा, मैंने कहा नहीं नहीं मुझे पता है मैं सुन रही हूँ मेरी बात हो रही है मुझे नहीं करनी। वो बेचारी और वो अब तक नाराज है, नाराज है। दुआ करो वो शो ना देख रही हो वरना वो कभी बात नहीं करेगी। तीसरा बार मैंने कुछ नहीं, क्या पता मान भी सकती है, क्या पता मान भी सकती है वो, क्या पता मान भी जाए, क्यों मानू मैं मुझे करनी। अब तो खैर वो भी गई उसकी वो हो गई जान बिल्कुल छुट्टी मेरी। अच्छा तुम्हें शादी करना अच्छा ही लगता क्या? अच्छा लगता है जब मुझे अच्छा लगेगा। हाँ अभी मुझे नहीं अच्छा लग रहा ना तो मैं क्यों करूँ। चलो तुम भाई दर कान बंद करो, वैसे पूछो कैसा लड़का अच्छा लगता है, भाई बोल देती हूँ भाई के सामने कैसा लड़का। मैं अपने बड़े भाई के साथ बहुत अटैच हूँ। अच्छा। नासिर भाई के साथ तो उनसे मेरी बहुत डिस्कशन होती है हर चीज के बारे में। तो तुमने उनको बताया कि मुझे इस तरह का लड़का चाहिए अभी शादी के लिए? मुझे एक
تمیزدار انسان چاہیے اپنی لائف میں. مجھے کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے میری کہ وہ کالا گورا لمبا تمیزدار کیسے, وہ ہر وقت مانگ نکال کے باہر چشمہ لگاتا ہو. کیسا چاہیے؟ خالہ کا بیٹا نہیں لگاتا. آپ کہیں مجھے امی کے گھر لے کے کرو چلو جی, مجھے جانا ہے شوٹنگ پہ جانا ہے جی, تو یہ والا بھی نہیں لگا. کیسا چاہیے بہن؟ مطلب کہ اچھا انسان ہونا چاہیے, میرے ابا جیسا ہونا چاہیے. یہ نا یہ بولو نا, یار اپنے ابا کو میرے ابا جیسا چاہیے. لیکن میرے ابا نے مجھے کبھی کسی چیز سے روکا نہیں, اتنا ٹرسٹ نہیں, ان کا ٹرسٹ ہم پہ اتنا تھا کہ ہم نے کبھی زندگی میں کچھ غلط کیا نہیں. مجھے بھی میرے ابا جیسا چاہیے. یہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں سب کے ابا کی, کوئی بہت جیسے میرے ابا بہت زیادہ ملنگ, میں نے بولا ملنگ انسان تھے, تو اپنی دنیا میں رہنا لیکن بچوں کا خیال کرنا, 10 بجے گھر آ جاؤ چاہے کتنا بھی ماڈرن زمانہ. ساری بیٹیاں اپنے اباؤں کی بہت تعریف کرتی ہیں, ایکچولی ان کی بیویوں سے پوچھنا چاہیے. تو یہی تو امی کو ابو کی جب بھی آرگیومنٹ ہوتی ہے, تم ایک بیٹی بن کر نہیں ایک عورت بن کے سوچو گے میں تمہیں کہنا کیا چاہتا. میں نے آج تک اپنے ابا کو کبھی غصے میں نہیں دیکھا. ان کا غصہ کیا ہوتا تھا, اماں بہت تنگ آ جاتی تھی نا کبھی, وہ کہتی تھی دیکھ رہے ہیں آپ اس کو, تو ان کی صرف ایک آواز آتی تھی اربا اربا اربا, مجھے گھر میں سب اربا بولتے. اچھا اربا بس, اس کے بعد کوئی دوسری آواز نہیں آتی تھی, میں ہنستی تھی, مجھے پتا تھا یہ 2 منٹ کا غصہ ہے بس ٹھیک ہو جائیں گے. اچھا میں آپ کو وہی بات رپیٹ کر کے بتا رہی ہوں کہ ہماری ماڈل بچی بہت ڈیمانڈ ہے ان کی, اور اب ظاہر ہے وہ پروسیس سے گزاری ہے, دانت بھی ٹوٹیں گے, ہر چیز ہوگی جو بچوں کے ساتھ ہوتی ہے, لیکن ان کی سمجھداری دیکھیں, مطلب ان کی فیملی کی سمجھداری کہ انہوں نے کیا کیا ہے, یہ جو دانت فیری لے گئی ہے یہ کہاں ہے, اور اس کے لیے کیا انہوں نے کیا کہ کمرشلز کریں یہ پراپرلی. ظاہر ہے ایک سرٹن ایج ہوتی ہے, زندگی نہیں رکنی چاہیے کیونکہ زندگی نہ ملے گی دوبارہ. آئیے میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتی ہوں مزیدار. ہاں جی کون لے گیا آپ کے دانت؟ فیری لے گئی. فیری نے کہا کہ وہ آپ کو آپ کے دانت دے گی واپس؟ سنبھال کے رکھتی ہے. پھر آپ نے اب کیا کیا اس دانتوں کے ساتھ؟ فیری کو آپ نے تھینک یو بولا؟ اور نکالو اس کو واپس. آئی لو یو. یار یہ تو کوئی چیز ہے سچی میں, یہ ٹاک آف دا ڈے ہے کہ ہماری ماڈل نے بھائی ساری بڑی بڑی ایکٹریسز انجیکشن لگوا کے چن لمبی کر لیتی ہیں, ہمارے میں بھی تھوڑی بہت کیا کیا ہو جاتا ہے, پر کیوں ہم چھوٹے تو کیا ہوا, ہم نے اپنے دانت بنوا لی, ہم نے کمرشل تھوڑی چھوڑے, لگا لیتی ہوں آرام سے, پرابلم تو نہیں ہوتی, درد تو نہیں ہوتا, اب بول بھی سکتی ہے لگا کے, ابھی کیوں نہیں لگا کے آئی؟ اچھا مجھے نہیں پتا تھا کوئی بولے گا, ویسے بھی کوئی نیچرل ہے نا, کبھی کبھی زیادہ تر مارننگ شو میں سب نیچرل آتے ہیں, میرے علاوہ سب کم میک اپ کرتے ہیں. ہاں اچھے لگ رہے ہیں دانت. کیا کیے ہوئے؟ کیا بول رہی ہے بیبو نے لپسٹک ڈارک لگائی ہوئی, اس پہ ریڈ لپسٹک اچھی لگتی ہے, ویسے تو وہ بیس ویس نہیں ہے. ہاں میں نے تم سے کیا سوال کیا تھا ویسے شادی کا؟ اوکے اب آپ لوگوں سے بھی سوال ہوگا باری باری. میں نے تو وہی بول دیا, مجھے بھی پھر اپنے ابو جیسے ہو جائے گی جب ہونی ہوگی. کوئی کوئی ڈیمانڈ لڑکا ایسا ہونا چاہیے. ماں تمہیں تو بتاتی ہوگی رات کو سنو میرے کوئی خوابوں کا شہزادہ آئے گا. مجھے خواب بھی نہیں آتے کوئی شہزادہ. اب رات کو نیند نہیں آتی تو خواب کب آئے گا؟ شریف خاندانی لڑکا, شکل صورت میں کوئی ڈیمانڈ ہے کہ بس گنجا نہیں ہونا چاہیے, بس پیٹ نہیں نکلا ہوا ہونا چاہیے, نہیں کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں ہے, اور کوئی فورس بھی نہیں ہے اما ابا کی
کہ پھپھی خالہ چاچا منو ان کے بیٹے کے لیے ایسا کوئی نہیں ہے بالکل بھی نہیں وہ تو جب تھا کوئی پسند ہے تو بتا دو نہیں پسند تو ٹھیک ہے جب ہونی ہوگی ہو جائے گی تو نمرا کی کوئی خاص چوائس ہے کہ میرا دلہا ایسا ہونا چاہیے ایسا ٹال ہو ٹال ہونا چاہیے پاؤں پیارے ہونے چاہیے شکل بدل کیسی بھی ہو بس پاؤں پیارے نہیں صحیح بھی ہونا تو اچھا مطلب ڈیفینیٹلی اچھا ہی ہونا چاہیے اچھی جگہ سے پیڈیکیور کرا دینا پیر تک کیوں پہنچ گئی بہن پیر پیارے ہونے چاہیے ویسے آپ کو پتہ ہے پیروں سے نا آپ کی پرسنالٹی پتہ چلتی ہے مجھے اپنے برادر ان لا بہت پسند ہے ہی 6'4" ماشاء اللہ اینڈ ہی از ریلی براڈ اور ان کے پیر بھی اچھے ہیں پاؤں بھی بہت پیارے ہیں ان کے تو نا ایکچولی نا ان کے جب انہیں کے پاؤں سے مجھے خواہش ہوئی تھی کہ پاؤں پیارے ہونے چاہیے ان کو جب چپل جب پہناتے تھے نا تو وہ چپل ایکچولی سوچنی نہیں پڑتی چپل کیسی ہو ان کے پاؤں پہ کوئی بھی چیز پیاری لگ جاتی تھی تو مجھے بس ہمیشہ سے ایسا شوق ہے نا کہ پرسنالٹی اس کی ایسی ہو کہ مجھے گفٹ دینے کا بہت شوق ہے تو میں کچھ بھی لے کر آؤں تو اس سے جج جائے بھی تو چپل بھی جج جائے مطلب یہ چاہ جج جائے بس تو گفٹ دینے کے لیے ایسا دلا چاہیے جس کے پیر پہ آ رہے ہیں تو آپ اپنے پیروں کی تصویریں ہم تک بھیج دیں ہم آگے پہنچا دیں گے شکل کی نہ بھیجے گا پیروں کی بھیجے گا اگر آپ کو نمرا آپ کی بیٹوں کے لیے اگر نمرا اچھی لگ رہی ہے میکے والیوں تو آپ اسے رجوع کر سکتے ہیں صرف پیروں کی اور پتہ کیا ہوگا اس کے انسٹاگرام میں ڈی ایم جائیں گے پیروں کی پکچر پتہ ڈی ایم جائیں گے پیروں کی پکچر یہ ہوگا اب اس کے ساتھ ہوگا تمہارے لڑکا جیسا بھی ہو گجا ویسا بھی نہیں ہے پیر پیار ہونے چاہیے مجھے بس ڈومینیٹنگ لوگ پسند نہیں ہیں مجھے نا وہ کہ ہم ڈبو لوگ پسند ہیں ہاں ڈبو لوگ پسند ہیں ڈبو نہیں مطلب ڈومینیٹنگ اس طرح نہیں کہ مطلب کہ ہم شوہر ہیں تو آپ کا فرض ہے سننا وہ ایکولی ہو بیلنس ہو ہر چیز مطلب مجھے ہو کہ مجھے سوچنا نہ پڑے کچھ کہنے سے پہلے میں نے اس دنیا میں تو نہیں ملا تو مریخ چلے جو چلے یا تو نہیں ملتے ایسے کام ملتے ہیں پروڈیوس ہی پاکستان میں تو پروڈیوس نہیں ہوئے ہوئے ایسے نہ بولوں گی ایسے پروڈیوس ہوئے ہوئے نہیں ہے کہ پہلے ایک نہیں 17-18 سال کی عمر میں خواہش ہوتی ہے کہ شادی ہو اچھا پیار میں دلہن بن ہوئی ہے وہ قسم سے آپ بالکل صحیح کریں ایسے پاکستان میں کوئی پروڈکشن نہیں ہے اس لیے خواہش بھی رہ گئی بس ہمیں پروڈکشن کے ساتھ ہی کام کرتے ہیں ہمیں کوئی لڑکی نہیں اس طرح کی چاہیے بالکل میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ آپ سوچے بھی نہ یہ وہ کر دیں خارج کر دیں اپنے دماغ سے لیکن ہماری پیر اچھے پیر والا مل جائے گا وہ خواہش بہت مشکل ہے لیکن ہماری فیلڈ کے ساتھ ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو لڑکیاں ہیں ان کے جو شوہر ہیں ان کا تھوڑا سا براڈ مائنڈیڈ لبرل ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ ہمارا ورنہ ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا کیونکہ ہماری روٹینز ہماری اسکیڈول میں ابھی اگر بات کروں پتہ نہیں بات کرنی چاہیے کرنی چاہیے میری ایک دوست ہے میں نام نہیں لوں گی لیکن وہ ابھی اس کا بھائی سے رشتہ آیا مجھے ایسے لوگ بہت برے لگتے ہیں کہتی ہے ان کی امی کے حق مہر اتنا ہوگا تو ہماری بیٹیوں کا بھی پہلے یہی ہوا تھا تو حق مہر اتنا ہوگا تو کہتی ہیں جی اتنے سے زیادہ تو ہو نہیں سکتا سوری تو پھر ابھی آپ شادی ہال نہ کروائیں بک وہ شادی ہال ڈیٹ سب کچھ ریڈی ہو چکا مطلب ساری تیاریاں سب کچھ ہو رہا ہے لڑکی والوں نے سب کرا لیا سب کچھ نہیں لڑکی والوں کی بات کری میری دوست جو میری فرینڈ ہے لڑکے والوں نے یہ کہا کہ آپ شادی ہال نہ کریں آپ پہلے حق مہر پہ بات ہو جائے کلیئر پھر ہم شادی ہال یہ اچھا یہ والی جو بات ہے نا نمرا صرف ایک جگہ نہیں بہت جگہ ہوتی ہے حق مہر پہ اڑتے ہیں بہت ساری لڑکی والے اور مجھے لگتا ہے اڑنا بھی چاہیے جو حالات چل رہے ہیں نا آج کل اب تو ڈیورسز اور اتنی ساری چیزیں عام ہو چکی ہیں کہ لڑکی کو سیکیورٹی چاہیے چاہیے اپنی سیکیورٹی چاہیے ہوتی اور یہ ایک جگہ نہیں بہت جگہ ایسا ہو رہا ہوتا ہے حق مہر پہ بہت لڑائی ہوتی ہے آپس میں بہت سارے لوگوں کے رشتے میں نے ٹوٹتے ہوئے دیکھے ہیں کہ حق مہر پہ ہوتا ہے جو کچھ رشتے میں نے صرف حق مہر کی وجہ سے ہی ٹوٹتے دیکھتے ہیں دیکھے کہ وہ ٹوٹے گا تو پھر وہ ملے گا ایکچولی وہ اتنا کچھ اپنا نام کروا چکے ہوتے ہیں ایکچولی میں نے دیکھا ایک دو کہ وہ اپنے اوپر عورتیں اتنا کچھ اپنے نام پہ کروا چکی ہوتی ہیں اس کے اگر سیپریشن ہوگی یا کچھ بھی ہوگا تو وہ اتنا مجھے اتنا کچھ ملے گا تو وہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ کیسز کے وہ لڑکی الگ ہی اس لیے ہونا چاہتی ہے کہ اس کے بعد مجھے یہ سب کچھ ملے گا مجھے لگتا ہے آج کل لڑکیاں زیادہ انڈیپینڈنٹ ہو گئی ہیں تو وہ ان کے لیے کافی آسان ہو گیا ہے چھوڑنا جیسے ہم نے اپنی فیملیز میں دیکھا ہے کہ ہمارے بھی فادر ہمارے لیے بہت اچھے انسان تھے لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ اتنے پرفیکٹ ہسبینڈ نہ ہو لیکن ہماری ماؤں نے گزارا کیا اپس اینڈ ڈاؤن لائف میں دیکھے اور ہم لوگوں کو فیل نہیں ہونے دیا کہ آپس میں کیا چل رہا ہے میں لڑکیوں سے ایک بات یہ کہتی ہوں کہ آپ لوگوں نے فرشتے سے شادی نہیں کیا آپ لوگوں نے انسان سے شادی کی ہے اور نہ آپ خود فرشتہ ہیں 10,000 برائیاں ہم میں ہوں گی اس ایج میں جا کے میں نے یہ سیکھا اب جا کے جس میں مجھے بڑا تحمل مزاج یہ ہے کہ یہ والی بات ہم بریک کے بعد کریں گے کیونکہ بڑی اچھی مجھے اچھا لگتا ہے کہ اگر ینگ بچیاں اس طرح کی باتیں کریں
तो बहुत अच्छी चीज कन्वे हो रही होती है दूसरी तरफ. एक छोटे से ब्रेक, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान बहुत ही प्यारी सी बच्चियों के साथ. वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. आपको पता है हमारा शो देखने के बाद क्या हुआ, लोगों ने स्नैपचैट पे पैरों की तस्वीरें भेजना शुरू कर दिए निम्रा को और पैर ही पैर हैं हर तरफ, सुबह रात दोपहर शाम पैर ही पैर होंगे हर तरफ. निम्रा फोन करके जरूर बताना कौन सा पैर पसंद है. उसके बाद वो हम पैर फिर हम पैर वाले को उसका शॉट लेंगे. इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट लगा देना पैर का इन अ रिलेशनशिप, हम समझ जाएंगे, हम समझ जाएंगे कमिटेड विद दिस. ओह माय गॉड. अच्छा अगर अरीबा एक्ट्रेस नहीं होती, मॉडल नहीं होती तो अरीबा क्या होती? फैशन डिजाइनर. अगर निम्रा एक्ट्रेस नहीं होती, मोशन नहीं करती, स्क्वैश प्लेयर. स्क्वैश प्लेयर. और मरियम यही सवाल तुमसे, आर्किटेक्ट या जर्नलिस्ट? हाँ अरे भाई ओए वो इधर और फिर भी तुम टीवी पे आती वो वाली जर्नलिज्म करती? नहीं वो वाली लिखती, लिखने का शौक और मुझे हाँ सोशली कनेक्टेड बेसिकली. तुमने कभी अपनी बहन को पढ़ाया होता है जैसे पढ़ाई पढ़ रही हो, हेल्प की पढ़ाई में कोई इस तरह की हेल्प रही? इसको नहीं छोटे वाले को की है बहुत ज्यादा. एज क्या है हमें? थोड़ा है 2 साल बढ़िया है, इसलिए नहीं ऐसा. अच्छा मूवीज देखने का कितना शौक है, मूवीज में काम करने का कितना शौक है? मुझे बहुत शौक है लेकिन मुझे ये है कि मैं पहले एक दो ड्रामास कर लूँ. मुझे सबसे पहले हाथ साफ कर लूँ ना जरा. हाँ, मुझे आपको पता है सबसे पहले मूवीज के ऑफर आए थे बाद में ड्रामे के आए. हाँ. मैंने दोनों मूवीज को मना इसीलिए किया कि पहले मैं ड्रामा कर लूँ. ड्रामा करना मुश्किल है, मूवी करना आसान है लेकिन ड्रामे से आपको लोग जानना शुरू होते हैं ना. ये है तो ये शॉर्ट्स का भी आपको अंदाजा हो जाता है, मतलब आप खेल सकते हो अपने आप को, अपने शॉर्ट्स अपना सब कुछ. ड्रामा थोड़ा बहुत सिखा देता है आपको तो ये है. ड्रामा एक इंस्टीट्यूशन तो है लेकिन ड्रामा करना ज्यादा मुश्किल है. फिल्म में आपको डबिंग शबिंग आप अलग कर लो, उस वक्त आपने नहीं दी तो आपके ड्रामा बहुत मुश्किल है. ड्रामा मुश्किल काम है, ड्रामा मुश्किल अंदर से आवाज आएगी ना बहुत मुश्किल. हाँ तो डांस वांस भी कर लो की फिल्म में? मैंने किया ड्रामा. ये तो नहीं कहेगा मेरी बहन डांस नहीं कर सकती, वो वाला भाई नहीं है, ये नहीं है सुल्तान राय नहीं है ये. अब्बू भी मलंग थे ना. सही है भाई. नहीं मेरे अब्बा, आपको पता है मुझे लगता है मेरे अंदर ये चीज मेरे अब्बा से आई, बिकॉज मेरे अब्बा में ये चीज थी. जैसे फैमिली फंक्शंस होते थे तो वो गाना गाते थे और कोई गजल नाइट होता था तो उनकी एक दो गजल्स होती थी. हाँ और उनको डांस का बहुत शौक था तो मुझे लगता है मुझे जो ये एक चीज हुई है ना एकदम से वो शायद मेरे अब्बा से आई. और उनका हमेशा से शौक था जब मैं मॉडल बनी थी उनके सामने, क्योंकि जब वो जिंदा थे तो मैं मॉडल उनके सामने बनी तो वो इतना एक्साइटेड नहीं थे क्योंकि उनको मॉडलिंग फील्ड इतनी नहीं पसंद थी. लेकिन वो हमेशा कहते थे उस टाइम पे एक्ट्रेस बन जाओ, एक्ट्रेस बन जाओ. और उस वक्त मुझे इंटरेस्ट नहीं था. अब जब मैं बनी तो मुझे बड़ा वो होता है कि अगर वो अभी होते और वो देखते वो बहुत खुश होते हैं, बिकॉज उनको था कि एक्ट्रेस बन जाएगी. हाँ अच्छा. और अब यही सवाल तुमसे, पहले भी हिना वाले शो पे बताया था आपको कि चीजें सारी साफ रहती हैं, हर चीज बहुत, और मैं बहुत ज्यादा ही ऑर्गेनाइज्ड हूँ. मतलब हिना ने आपको फिल्म का सवाल किया था. ओके लेकिन मुझे ये कि आई डोंट नो बट ये मुझे हमेशा से उस तरह की फिल्म करने का शौक है. जब भी मैं साथ खुदा सुजला लड़ी थी लेकिन वो बहुत पैट्रियोटिक टाइप की थी, मतलब मुझे जो करनी है वो रोमांटिक लव स्टोरी जब भी मैक टाइप ना, मतलब बहुत सिखनी टाइप, लाइक इस तरह की पटियाला सलवार एंड यू नो और इस तरह लगती भी हो तुम सिखनी. तुम्हें आई अगर फिल्म की ऑफर तो मुझे स्क्रिप्ट कॉन्टेंट बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, तो मैंने इसीलिए अभी तक नहीं की क्योंकि मुझे कोई स्क्रिप्ट नहीं है. अच्छा नहीं तो यस अगर स्क्रिप्ट मैंने आगे तुमने एक्टिंग को परसू करना है, तुम्हें अच्छा लग रहा है ये करियर? मुझे अच्छा लग रहा है, मैं बहुत ज्यादा नहीं करती बट थोड़ा 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 मैं करती रहूँ. लेकिन तुमने जो भी सिलेक्ट किया है ना ड्रामे वो नजरों में आए हैं लोगों के, लाइक लोग तुम्हें पहचानते हैं कि ओके हाँ ये मरियम वो कैरेक्टर क्या है. अच्छा अब जब लोग फैंस मिलते हैं
तो क्या होता है? अरे बाप, तुमने तो अब ड्रामा में काम शुरू किया है। मुझे रिसेंटली जब मैं आप जागो पाकिस्तान में आई थी अभी रमजान में, तो मुझे उसके बाद फिर मैं चांद रात से एक दो दिन पहले मार्केट गई अम्मा के साथ। तो वहाँ जी तो पाकिस्तान में आई थी, जी तो पाकिस्तान में, सॉरी जी तो पाकिस्तान। तो वहाँ पर मुझे एक आंटी मिली, वो कहती है तुम फहाद के शो में आई थी ना लड़की। मैंने कहा जी, बहुत प्यारी हो। मैंने कहा शुक्रिया। और मैं अब इतनी खुशी हुई मुझे उस टाइम पे जब आपको आंटियाँ या बच्चियाँ या लड़कियाँ जब आपको आवाज़ें दें या आपको बुलाएं, तो वो बहुत अच्छा फील होता है उस टाइम। मेरे साथ तो ये होता है कि पोनी बांध के ना जीप गंदे उल में चश्मा लगा के जाती हूँ बाजार, तो निदा यासिर है कि नहीं, लग रही है मुझसे भी कोई पूछता है नहीं, मैं तो नहीं, मेरी शक्ल आपकी मिलती है। भाभी ना हमेशा फैमिली के साथ या लेडीज के साथ मोस्टली पिक्चर्स खिंचवाती है, जेंट्स के साथ सेपरेटली नहीं खिंचवाती। तो अभी दुबई में हम लोग PSL पे साथ थे, तो इनका नेचर ही ऐसा स्माइली हंसते हुए, सॉरी मैं आपके साथ तस्वीर नहीं खिंचवाती, वो बस यूं ही देखता रह गया। मतलब वो इतना करीब आ गया, वो कह रहे लगा अच्छा, मतलब अंदर से होती है ना, बेइज्जती आ गया मतलब तस्वीर जरा ना। मेरे साथ हुआ PSL पे, मैं, अदनान सिद्दीकी और फैसल हम लोग जा रहे हैं, तो सब पीछे आवाजें लगा रहे हैं, फैसल अदनान, और मैं इन दोनों को बोल रही हूँ मुझे तो कोई आवाज ही नहीं लगा रहा। अच्छा, नेक्स्ट डे क्या हुआ कि जब मैं नेक्स्ट मैच था उस पर गई, तो फैसल भाई हम सब लोग दोबारा जा रहे थे सिक्योरिटी के साथ ना, मैंने कहा कोई वैल्यू ही नहीं है, कहते अभी ड्रामा आएगा तुम्हारा अरीबा। और पीछे से मुझे ना एक बच्ची की और एक बच्चा भागता हुआ गाड़ी के दरवाजे के पास, अरीबा अरीबा, ये दोनों चीखे देखो देखो। मुझसे ज्यादा फैसल और अदनान की खुशी, देखो आगे तुम्हारे फैमिली को, खुश हो जाओ खुश हो जाओ। तो ये चीज होती है। और तुम्हें जब पहचानते हैं लोग तो क्या करते हैं? बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा आई थिंक तब लगता है जब दे कम अप टू यू और वो कहते हैं कि यू नो आपके इस ड्रामे की वजह से, आई रिमेम्बर क्योंकि ये मेरे साथ सेंटोरस में हुआ था, जब एक लड़की मेरे पास आई थी कि मैंने अपनी खाला की बेटी के लिए जो है स्टैंड लिया था आपका डोमेस्टिक वायलेंस देखकर, तो वो जो एक फीलिंग थी ना, आई थिंक उससे पहले फैंस आते हैं आपसे मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बट वो कि आपने किसी की जिंदगी में कुछ फर्क आपके काम में की वजह से हुआ, वो बहुत अच्छा लगा था मुझे। दैट वाज ब्यूटीफुल। ये वाली बात तो है। तो जनाब, ये था हमारा आज का शो, और बहुत सारे गप्पे लड़ाए हमने, बहुत सारी मस्तियाँ की, बहुत सारी बातें की। आई होप कि आपको मज़ा आएगा। मज़ा आया कि नहीं लड़कियों? थैंक यू सो मच अरीबा। आप तो बहुत कम बोलते हैं भाई, हम खवातीन ने आपको मौका नहीं शो में, है ना? नहीं, अब आपके आपके पास पूरे का पूरा जो है वो दो सेकंड से अरीबा की अच्छी बात बता दो। काफी कॉर्पोरेटिव है। और एक बुरी बात भी बता दो, चलो एक सेकंड और दिया। गुस्सा बहुत करती है, गुस्सा बहुत करती है, और सबको कहती है कोई घर में ना आए, बस मैं अकेली रहूं। शॉर्ट टेंपर्ड हूं थोड़ा सा, शॉर्ट प्यार भी करती हूं पर शॉर्ट टेंपर्ड हूं। जैसे घर पे जब पेपर्स होते थे और ये सब, मेरे घर में सब बहुत अच्छा पढ़ने में, मैं बिल्कुल अच्छा नहीं हूं, तो घर पे जब हम तीनों ने साथ पढ़ा, छोटों ने, हम घर आते थे, अब्बा पूछते थे क्या पेपर हुआ, तो मैं अपना बैग फेंकती थी, कहती थी पासिंग नंबर का पेपर कर दिया है बस। और दो सवाल एक्स्ट्रा करके आई हूँ कि अगर कुछ पसंद नहीं आएगा तो उसमें से चूज कर ले। बस। अच्छा भाई, तुम बताओ जरा अपनी निमरा की कोई एक बुरी बात बता दो, क्या है बुराई तुम्हारी निम्मो में? बुरी बात है, ज्यादा गुस्सा करती है, ये बुरी बात है कि वो ज्यादा गुस्सा नहीं करती, कम करती है। और अच्छी बात क्या है? अच्छी बात ये है कि बेबू हमारे लिए सब कुछ करती है। बेबू हमारे लिए सब कुछ करती है, हमारे लिए तो पैसे सब कुछ, हमारे लिए टॉयज खरीदती है, अपने पैसों से हमारे लिए टॉयज खरीदती है। मैं ही वाहिद जो इसके लिए हर चीज लाती, मतलब सुन लिया कानों में है, कहीं से ट्रैवल कर लूँ, मेरा ओवरवेट होता ही सब इनकी चीजों की वजह से। मैं जब भी इमिग्रेट, लाइक जब बोर्डिंग पास ले रहे होते, जब चेक इन करा रहे होते हैं, तो मैं एक बैग छुपा के ना वहाँ से फिर मैं दूसरा सिर्फ ना उनको दिखा रही होती हूँ कि हाँ ये क्योंकि फिर उनको भी इंक्लूड कर देते हैं, वो तो एक पूरा बैग से इनका होता है। तो ये इसलिए बच्चे तो टीवी पे बोल दिया, अब तुम्हारे पर कड़ी नजर रखी जाएगी, वो बैग कहाँ छुपाया है, बोल दिया। अच्छा भाई, तुम बताओ अपनी बहन की एक अच्छी और बुरी बात। उनकी थोड़ी सी बुरी बात ये है कि शी इज अ लिटिल मूडी। अच्छा, मतलब अपने मूड के हिसाब से। हाँ, और अच्छी बात ये है कि मरियम अपने आप को बहुत अच्छा कैरी करती है, बहुत पहनना ओढ़ना और ये सब चीजें, हर चीज बहुत अच्छा कैरी करती है। कहाँ बैठ के क्या बात करनी है, बहुत सेंसिबल। I find her so sensible. मरियम रिश्ता पक्का है, मरियम तो रिश्ता है, सही कह रही हो, पक्का रिश्ता है मरियम का।
उनका सेंसिबल लड़की है, सलीके वाली है, पढ़ी लिखी घर की है, खानदानी है. ओके जी, ये था हमारा शो. अल्लाह भी आप सबको बहुत तरक्की दे और आप पढ़कर आए. जर्मनी जाएंगे आप अगर पढ़ने इंशाल्लाह, तो आपको कोई हेल्प चाहिए आई एम देयर फॉर यू. मैं बता दूंगी कहाँ जाके कोर्सेस करना. बाय द वे इनको जर्मन आती है. हाँ, इश कान डॉयच क्वेश्चन. खुदा हाफिज़, इंशाल्लाह कल मिलेंगे. अल्लाह हाफिज़.